So रात तक या कल सुबह तक देंगे जिसमें हरियाणा के पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो तो मैं डॉक्यूमेंट एक बनवाया मैंने जिसमें मोटी मोटी बातें जो है ना कहीं कहीं जैसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ है या कुछ ऐसा अपने अपने अप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें से यूज कर पाओगे प्लस एक छोटा चो, सा फैक्ट शीट बना रहे हैं हम हरियाणा पे जो इंटरव्यू पॉइंट हुए से आपको काम आ सकती है ठीक है नहीं बस ये जी अपना ऑडियो अपना माइक बंद कर लो भाई हो सकता है अगर तेरा कोई डाउट हो माइक बंद कर लो अपना नहीं। 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 वो काहे में लिखने वाला देखो हराना के कुछ क्वेश्चन जैसे हराना की समझ जो है ब्रॉड ओवरऑल समझ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू

इंटरव्यू के कंटेक्सट में है ना इंटरव्यू के कंटेक्स में सो आई विल बी डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज तो आप ना कॉपी कौ पेन अपने साथ रखना आपने तो कई आपके आंसर ना बनते जाएंगे एंड कीप ऑन डिस्कसिंग साथ साथ में है ना मैं आपसे पूछता जाऊंगा एक आधा बच्चा आंसर करे उसका फिर मैं उसका आंसर आपको दूंगा है ना उससे क्या होगा कि आपकी जो बेसिकली प्रैक्टिस भी हो जाएगी बोलने की और साथ में एक आंसर भी आपको मिल जाएगा दैट्स अ स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ वन वे लेक्चर वी विल कीप द डिस्कशन ओपन की समझते रहेंगे इस तो मोटी सी बात देखिए यह है कि जो अपना uh, जो स्टेट ऑफ हरियाणा है इट्स अ ग्रीन रेवल्यूशन स्टेट है ना इट्स अ ग्रीन रेवल्यूशन स्टेट

it is not simply in terms of contribution to state gdp but also more importantly in terms of the involvement of population that how many people are involved in agriculture involvement of people right so when we talk in terms of harena economy then it can be safely called as an agricultural economy in terms of sheer percentage of people who are employed in agriculture or directly or directly they are indirectly they are drawing employment from agriculture so is Harana economy, agricultural economy so when it comes to uh, seeing in terms of contribution to state GDP it may not be agricultural it, it is a service economy because service sector contribute around 50 percent to the GDP but when it comes to प्रडोमिनेंट इकनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी देन इट इज एग्रीकल्चरल स्टेट सो एंड प्राइमरली वी ऑलवेज अदरवाइज तो इंडिया भी सर्विस इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया में ओवरऑल पूरी कंट्री में देख लें तो मोर देन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन इज एंगेज इन सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर में देखें तो बारह तेरह परसेंट ही लोग एग्रीकल्चर बारह तेरह परसेंट ही ग्रॉस जी डी पी को कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और सर्विस इकोनॉमी

एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसी से सारे आगे इशूज और प्रॉब्लम और सोल्यूशन सारे निकलते हैं ना right? so जैसे एक क्वेश्चन मैंने बहुत सब uh, मैं सोशल से स्टार्ट करूंगा सोशल एंगल से क्योंकि सोशल पे क्वेश्चन जरूर एक आधा इंट्रो में पूछ लेते हैं फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज फॉर एग्जांपल द स्टेटस ऑफ वुमेन द क्वेश्चन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन है ना इज द स्टेटस ऑफ वुमेन लो इन हरियाणा इज द स्टेटस ऑफ वुमेन लो इन हरियाणा इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो यस हम्म एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी रेट्स तो इज इट ओवरऑल लेस और आप कोई ऐसी बात भी बता सकते हैं जिसमें स्टेटस ऑफ वुमेन हायर है सर दी वुमेन ऑफ हरियाणा हैव एक्सेल्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स स्पेशली इन स्पोर्ट्स सर देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सर कल्पना चावला शी एक्सेलड इन साइंस एंड सो इट वुड बी अनफेयर टू से दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन इज लो अगेन फ्रॉम व्हाट एंगल वुमेन हरियाणा में लो है या नहीं है वो हम ओवरऑल देख रहे हैं नॉट इन दीब्यूशन ऑफ वन टू और टेन हंड्रेड फीमेल्स ठीक है जनरली स्टेटस ऑफ वुमेन इज गॉस्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ दुमेन इन दोसाइटी ठीक है ध्यान से देना आप ऐसा कोई वेंचर कर लेना है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपको देखो इंटरव्यू डिफरेंट है मेंस में करेंगे बहुत डिफरेंटली करेंगे है ना बट ध्यान से आप लिखते साथ साथ में लिखते जा सकते हैं बड़ा अच्छा आंसर बन जाएगा राइट के सर इन ओवरऑल टर्म्स द स्टेटस ऑफ वुमेन इन हरियाणा इज लोअर एज कंपेयर टू मैन लोअर एज कंपेयर टू मैन राइट एंड इट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ द डेमोग्राफिक पैरामीटर्स लाइक द सेक्स देशो

सो so हमने देख लिया कि इकोनॉमिकली डेमोग्राफिकली एंड सोशली पोलिटिकली द स्टेटस ऑफ वुमेन इज लोअर टू दैट इज देयर इन एवरी स्टेट मोस्टली ऑल द ऑफ द कंट्री दैट द स्टेटस ऑफ वुमेन इज स्टेटसरे लोअर देन द मैन देखो जब लोअर की बात करते हैं तो लोअर एज कम्पेयर टू मैन अभी मैंने यहां स्ट्रेस किया एज कंपेयर टू मैन सो आप आंसर यही करोगे तो स्टेटस ऑफ वुमेन तो डेफिनेटली लोअर है एज कंपेयर टू मैन फाइनली आप ये कहोगे सर अपार्ट फ्रॉम दिस

तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे क्लियर होगी बात ये? ठीक लग रही है बात ये? बोलते जाओ यस सर। है ना इस तरह से बैलेंसिंग लेके चलना है पहले आपने नेगेटिव बोला कि हाँ लोअर है लेकिन साथ में एंड में पॉजिटिव भी आपने कर दिया तो जो आप बात कर रहे थे जो कौन पहले बोल रहे थे जिन्होंने बात की थी कल्पना चावला की

एंड अगर हम अभी की बात करें प्रेजेंट की अकॉर्डिंग टू एन एफ एच ओ नाइन ट्वेंटी है ना तो उससे इंप्रूव इम्प्रूव होगी लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई इन इज लो क्या आंसर करोगे मैं इसका आंसर करता हूं बिकॉज मैंने वर्चुअली सबसे पूछा है और किसी ने भी ठीक आंसर नहीं किया देखिए आप आ, सारे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि टू रीजन फॉर लो सेक्स रे वन इज

यूपी देखो उड़ीसा देखो वहां पे पेट्रियार्की इज मोर डिप्रूटेड बट स्टिल द सेक्स इज हायर देयर देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हरियाणा व्हाई इट इज लोअर सर हरियाणा क्योंकि इकोनॉमिकली वेल uh, well है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स टेक्नोलॉजी अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाती है सर सेक्स सिलेक्शन एंड डिटरमिनेशन देखो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेल प्रेफरेंस क्यों है हरियाणा में मेल प्रेफरेंस क्यों है एक तो एग्रीकल्चरल अभी भी सोसाइटी एग्रीकल्चरल है जहां पे एग्रीकल्चर को प्रिडोमेंटली मेल ऑक्यूपेशन माना जाता है नंबर वन नंबर टू ये बीइंग अ बॉर्डर स्टेट इट हैज बीन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल वॉर्स एग्रेशन इन विच वुमेन वीन वन बेबल तो आदमी का होना एक जरूरी मान लिया जाता है थर्ड मेल प्रेफरेंस का रीजन है पेट्रिलीनियल सोसाइटी की नाम जो फैमिली का चलता है वो मेल के नाम से चलता है बिकॉज पेट्रिलियल सोसाइटी है तो लोग अपने नाम को चलाने के लिए एक सन की अवस्थता जरूर महसूस करते हैं ठीक है ना ये तीन प्राइमरी रीजन है कि मेल प्रेफरेंस क्यों है पर दिस इज नॉट द आंसर टू तो अवर क्वेश्चन कि हरियाणा में ही ये कम क्यों है बिकॉज ये तीन रीजन तो हर जगह अप्लाई करते हैं मोस्टली आपसे पूछ ले कि मेल प्रेफरेंस क्यों है तो ये तीन रीजन हो गए आपसे पूछ लिया कि किसो कम क्यों है तो आपने कहा पेट्रियल एंड मेन प्रेफरेंस डन लेकिन हरियाणा में ही लो क्यों है तो उसका सेकंड स्टेप रीजन ये बनता है देखिए इसके दो कारण है वाई टिपिकली हरियाणा में ड्यू टू एफ्लुएंस पीपल कुड अफोर्ड पीपल कुड अफोर्ड फ्री लेटर डायग्नोस्टिक टेस्ट पी एनडीटी पीपल कुड अफोर्ड दिस टेस्ट लोग अफोर्ड कर पाए इस टेस्ट को पीएनडी टी प्री नेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट को देखो अफोर्डेबिलिटी इज द टेक्नोलॉजी भी तभी, तभी आई बिकॉज लोग अफोर्ड कर सकते थे बिकॉज बिकॉज इट्स एक्ट तो आपको एक सिंपल टेस्ट के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इट इज थेगल और वो कोई भी डॉक्टर भी तभी, तभी रिस्क लेगा या कोई भी रेडियोलॉजिस्ट तभी रिस्क लेगा अगर उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और पैसा हरियाणा में आया एफ्लुएंस ठीक है ना एफ्लुएंस ने टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कर दिया और लोग टेस्ट कराने लगे सेकेंडली सेकेंड इसके साथ रीजन देखिए क्या है एफ्लुएंस ने एक स्टेटस स्टेटस परसेप्शन भी जारी लाए लोगों में बिकॉज द लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन सीन एज ए इंडिकेटर स्टेटस समझिए जो कम बच्चे हैं वो स्टेटस का एक सिंबल बन गए कि बच्चे दो ही अच्छे कि दो ही होने चाहिए बच्चे तो अब जब बच्चे दो हैं तब टेस्ट की रेलेवेंस बढ़ जाती है टेस्ट की रेलेवेंस बढ़ जाती है और लोग टेस्ट करवाते हैं अगर दो बच्चों की बात ही ना हो पांच हो रहे हैं छह हो रहे हैं सात हो रहे हैं आठ हो रहे हैं पल रहे हैं अपने आप तो ठीक है कौन टेस्ट कराने की जरूरत है पल, जा, पल जाएंगे बच्चे ऐसे ही लेकिन हरियाणा में ड्यू टू ग्रीन रेवल्यूशन पैसा आया पैसे से एक स्टेटस परसेप्शन आई और लोग स्मॉल फैमिली नॉर्म को अडॉप्ट करने लगे और स्मॉल फैमिली नॉर्म को जब अडॉप्ट करेंगे अलॉन्ग नोशन ऑफ मेल प्रेफरेंस तो टेस्ट करवाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी राइट और ट्रेंड ये होने लगा कि जो अगर आपके पास पहला मेल आ गया बच्चा तो सेकंड बच्चे में आप टेस्ट नहीं कराओगे लड़का हो जाए लड़की हो जाए कोई टेंशन नहीं अब दूसरी बार भी लड़का हो गया ठीक है अब अगर सपोज़ पहले बच्चा आपका फीमेल हो गया तब आप सेकंड टेस्ट जरूर कराओगे और आप ट्राई करोगे कि यहां पे मेल ही होना चाहिए जो प्रॉब्लम ऑफ पीएनडीटी है या सेक्स रिश्व है वो यहीं तक ही है बस ऐसा नहीं कहना कभी भी कि हम लड़कियां चाहते नहीं डाउरी फलाना धमाक्का ऐसा कुछ नहीं है समझो बात मेरी ऐसा कुछ नहीं है आप बोलोगे कि डाउरी से वो हो जाता है जी डाउरी देनी पड़ती है ये हो जाता है ऐसा सोशली वो नहीं है एक्सेप्टेबल नहीं है चीज ये ठीक है ना तो ये यहाँ बस यहाँ सेक्सा उतनी कम हो जाती है नहीं तो फिर होता ही कहा बंदा फीमेल प्रेफर ही ना करता अगर ऐसी बात थी तो फीमेल हम को जो ये मेल प्रेफरेंस है वो इतना डिफरेंस क्रिएट करती है कि अगर पहले लड़का हो गया तो दूसरा नहीं चाहिए एक्सटेंट तो तो का है बस कि कई घरों में आपको दो लड़के मिल जाएंगे लड़कियां नहीं है लेकिन दूसरा जो लड़का एक लड़की अगर हो गई तो दूसरा हमें लड़का पक्का चाहिए so, ये एक रीजन है कि एफ्लुएंस यूपी बिहार से जो लेबर आई वो यहां सेटल हुई और जो वहां से मेल पॉपुलेशन माइग्रेट होकर हरियाणा में आई उसने सेक्स रेशो को थोड़ा बहुत स्क्यू कर दिया स्क्यूड कर दिया एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहा मेल पॉपुलेशन बढ़ने का इन हरियाणा

चाहे वेस्टर्न यूपी है जो भी जहां जहां भी ग्रीन रेवल्यूशन हुई जहां जहां भी माइग्रेंट लेबर आ रही है जहां जहां भी पैसा आया वहां सेक्स रेशो कम होने की टेंडेंसी हुई पर यह जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल है ठीक है जी तो ये दो रीजन आपने देने हैं कि सेक्स रेशो आर्टिफिशियली या बहुत कम हरियाणा में इतनी कम क्यों है अब बढ़ क्यों रही है सेक्स रेशो 927, 926 एक तो है मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया अवेयरनेस कैंपेन ये कैंपेन सिर्फ हरियाणा में चला पूरे नेशनल लेवल पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला और पूरे नेशनल लेवल पे सेक्स रेशो की जो गिरती दर थी उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल लेवल पे ये एक एफर्ट की गई कि लोगों में अवेयरनेस आए और वो इस टेस्ट को करवाने को परहेज करें राइट दिस इज वन थिंग मैसिव अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च पाई दी गवर्नमेंट सेकेंडली थोड़ी सी देखिए अगर आप माइग्रेशन ट्रेंड्स देखें तो माइग्रेशन भी कम हुई है ड्यू टू महात्मा गांधी ये रोजगार गारंटी एक्ट है जो स्कीम है जो उसके वजह से भी जो इन माइग्रेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली कम हुई है और ट्रेंड्स धीरे धीरे ये बन रहे हैं कि जो लोग माइग्रेंट यहाँ हरियाणा में या पंजाब में सेटल थे वो धीरे धीरे अपनी फैमिलीज भी लाने लग गए कई जगह पे ऐसे आए हैं कि उन्होंने लोकल सोशल सिस्टम में पार्टिसिपेट भी करना शुरू कर दिया और अपनी फैमिलीज भी लेके आ गए तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ा है कि सेक्स रेशो अब बढ़नी शुरू हो गई है तो इस वजह से ये दोनों चीजों की वजह से ये बढ़ रही है और थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्ट को भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर रही है ठीक है तो समझ आ गया ये आपको सक्सेस इशू का कौन मुझे बोल के दिखाएगा हु इज रेडी या आपका कोई काउंटर क्वेश्चन है इसमें से काउंटर क्वेश्चन पूछो मेरे से हाँ जी बोलो 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 हां जी इतने सारे बैठे को तो बोलो क्या हुआ सर मतलब काफी है ये वाला पॉइंट नया है जो जो पहली बार जो ये 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 माइग्रेंट्स वाला एक ये नया ये एक नया पॉइंट बाकी वाले पहले अंडरस्टूड थे अगर आप आप कहीं क्वेश्चन क्वेश्चन तो सर फिर करते आ, हैं मैं मैं आप पूछता हूं, जो आंसर करेगा बच्चा है ना देखो मैं ये सर. पूछ रहा हूं कि सर, जी सर सर मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद भी हरियाणा का सेक्स रेशो इसलिए लो है क्योंकि एक तो उसके सर कई कारण हैं पहला कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की वजह से जो अफोर्डेबिलिटी है प्री डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की और अबॉर्स की वो काफ़ी हरियाणा में आ गई और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से ही माइग्रेंट लेबर्स का इन्फ्लक्स हुआ जो प्रीडोमिनेंटली मेल थे और सर इसकी वजह से थोड़ा सेक्स रेशो अनफेवरेबल हो गया आ, मगर सर अब उसमें कुछ ट्रेंड्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है ठीक अब लगता कन्विंसिंग ये हो गया बात आपका आपको देखना एक इसमें बस एक बात ऐड करनी है ध्यान से शुरू में ये जरूर बोलना है सर एज जैसे और दूसरे भागों में है सर देश के उन तो करती, करती है सेक्स रेशो को ये चीज क्या है कि ये इन जनरल जो कंट्री में हमारी सेक्स रेशो नेशनल लेवल पे लो है उसका रीजन है ये पेट्रियारिकल और मेल प्रेफरेंस तो हमारी पूरी सोसाइटी में है हर जगह राइट right. बट लेकिन सर हरियाणा के केस में बींग ग्रीन रेवल्यूशन स्टेट यहाँ पे बहुत यहाँ पे एफ्लुएंस आई जिसकी वजह से जो पी टेक्नोलॉजी आई और ये अफोर्डेबल हो गई लोग इसको यूज करने लगे बिकॉज ऑफ द मनी विच दे हैड क्योंकि पे करना पड़ता है इसके लिए और जो स्टेटस लोगों की स्टेटस परसेप्शन जो लोगों में आई उसमें कम बच्चे होने का एक एक सेंसिटिविटी भी पैदा हो गई जिससे लोग पीएनडीटी ज्यादा करवाने लगे इन ऑर्डर टू हैव अ मेल चाइल्ड और सेकेंडली सर एक एक और फैक्टर ने रोल प्ले किया कि ग्रीन रेवल्यूशन की वजह से माइग्रेंट लेबर हरियाणा में आई जो प्रिडली मेल थी जो, और वो आके यहाँ पे सेटल हो गए और सेंसस में उनकी गिनती होने लगी और धीरे धीरे उसकी वजह से भी सेक्स रेशो कम हुई ठीक है जी थी? सर uh, एक क्वेश्चन बस फॉलोअप uh, में कि सर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक सेक्स रेशोज भी पूछ सकते हैं कि जैसे आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट है

पेटियार्की नहीं है उसका कारण है इन माइग्रेशन ऑफ मेल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में हमेशा ज़्यादा होती है। कहीं, आप चीज़ें चेपने लग जाओ। पे भी और गुड़गांव मर्जी देख लो आप सेक्सर कम ही मिलेगी आपको लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि वहां पे पीएनडीटी हो रहा है या फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है फोर्टिसाइड हो रहा है okay. Uh, sir, हाँ जी, अब अगर से जाए कि ये सेक्स रेशो कम होने की कॉन्क्वें क्या है देखो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कोई आंसर देना चाहेगा? सर एक तो जो फीमेल रिलेटेड इश्यूज हैं जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये आ रहा है सर उनके खिलाफ वॉयलेंस वायलेंस क्यों होगा सर एक मुझे लगता है इम्पोर्ट ऑफ ब्राइड हाँ ठीक तो है सर ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग सेक्स रेशो उसकी इम्प्लीकेशन क्या होती हैं सर नंबर वन द डेफिशिएंसी ऑफ फीमेल क्रिएट्स अ जनरल नोशन अबाउट द पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन एंड लो सोशल इंडिकेटर्स व्हिच प्रोजेक्ट्स दिस स्टेट इन अ बैड लाइट नंबर वन ठीक समझ आ गया ये बात मैं थोड़ा सा इंग्लिश में एक्चुअली आदत पड़ी हुई है ना वो तो उतना हिंदी में मैं उतना कंफर्टेबली बोल नहीं पाता तो आप कर लोगे आई थिंक है ना और ये रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी तो मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट थिंग इज कि कि जो जो आप हम कहते हैं कि जो ये कम होने की वजह से एक जनरल परसेप्शन आती है कि स्टेट में स्टेटस ऑफ वुमेन लो है जिससे एक स्टेट की जो ओवरऑल इमेज है वो डाउन होती है दिस इज फर्स्ट इंप्लीकेशन सेकेंड लेसर नंबर ऑफ ब्राइड्स दिस लीड्स टू इनसिक्योरिटी इन कंट्री सोसाइटी क्या हो गया क्या रहा था शॉर्ट रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी क्या टोटल पे बच्चे हैं क्या हाँ टोटल पे नहीं होंगे तो लिंक ही भेजा हुआ ना चलो अब करो यार मेरे को लेक्चर ले दो मुझे दिखाओ ना यार मुझे मेरे को अपने आप अब आदत पड़ गई ना अपने आप को देखने की है ना तो फर्स्ट थिंग इज सेकंड थिंग इज कि जो आ, आ, अगर ब्राइट कम हो जाए तो ये इनसिक्योरिटी जनरेट करती है इन दी सोसाइटी कि लड़कियां कम है तो इससे कई ऐसी टेंडेंसी स्टार्ट हो जाती हैं जैसे पोलियंड्रेस uh, प्रैक्टिसेस इसको पोलियंड्रेस प्रैक्टिसेस बोल देते हैं कि पोलियंड्रेस प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं और सेकंडली ब्राइड परचेज का एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है विच इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी यू पीपल स्टार्ट स्टार्टेजिंग ब्राइड फ्रॉम अदर स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट से एक कांस्टेंट इन्फ्लो है हरियाणा में शायद कुछ लोगों को पता हो चाहे ना पता हो and they are purchasing brides from northeast india theek hai na number 3 number 3 sir lastly sex ratio kam hone se ek general insecurity female ke andar bhi aati hai theek hai na uska usse self jo esteem hai ya self confidence hai wo kam hota hai when she is subjected to such heinous crime तो उसका अपना एक self confidence जो है वो कम होता है society में कि वो society में physically भी उसकी existence safe नहीं है ठीक है जी ये तीन फैक्टर आपने बोलने हैं अगर पूछा जाए तो कि सेक्स रेशो कम होने से क्या होता है क्लियर है जी तो फोर्थ पॉइंट क्या है ये कैसे एक्सप्लेन करना कौन सा मतलब ये कि फीमेल्स में जनरल इनसिक्योरिटी आती इन्सेक्यौरिती है इनसिक्योरिटी हो जाती है कि जब आप देखते हो कि फीमेल इन्फेंटिसाइड फर्टिसाइड हो रहा है तो आप इनसिक्योर नहीं होगे You are being killed in a way. आप नहीं हो रहे लेकिन आपके सामने अगर कोई न्यूज आती है देखो ये ऐसे क्वेश्चन है कि you cannot afford to कि मुझे नहीं आता आप बोलोगे ही बोलोगे कुछ और अगर क्लियरिटी नहीं है तो बोल नहीं पाओगे वहां पे अच्छा सक्सेस शो को कैसे इंप्रूव किया जाए इंप्रूव कर रहे हैं हम अवेयरनेस है ठीक है ना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको अवेयरनेस है ठीक है ना दे सर मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हैज टू बी अडॉप्टेड सर हमें मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए नंबर वन एक अवेयरनेस कैंपेन मस्ट है जिसमें हम ये करें कि जो अपना है कि ये जो पीएनडीटी टेस्ट करना या फीमेल फोर्टिसाइड करना एक अपराध है और इसको एक हम वाइड स्प्रेड लेवल पे इसको हम पॉपुलर करें एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस जो या इनिशियटिव uh, इस हम जो कर सकते हैं वो है वुमेन को एम्पावर करना इस अगर वुमेन को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे उसको कैपेबल बनाएंगे तो वो किसी तरह से भी वो फिर बर्डन uh, नहीं मानी जाएगी और सिविल कम्पीट विद मेल इन एट ऑन एवरी फ्रंट तो वुमेन को एम्पावर करना एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप वुमेन को एम्पावर करो एम्पावर कैसे करो उसको एजुकेशन दो बेटी पढ़ाओ बेटी बिछाओ पढ़ाओ उसको एजुकेशन दो प्लस साथ में उसको इंप्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन हो उसकी उसको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करे है ना उससे उसकी एम्पावरमेंट होगी और वो एक बराबरी का रोल प्ले कर पाएगी सोसाइटी सर कैन वी सजेस्ट सम एग्जांपल्स फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज मैंडेटरी डायग्नोस्टिक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड so when the won't be knowing mandatory mandatory allowed you cannot... yes sir mandatory but can we, can we we ask for something like mandatory in society uh, आप, आप अगर उसको फ्री कर दोगे कि भैया नहीं कोई भी कर सकता है, है न right, तो फिर तो यार बात क्या रहेगी फिर तो झुरागढ़ ले जाएगा हम अभी तो डर है फिर भी डॉक्टर डरते हैं रेडियोलॉजिस्ट डरते हैं मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड है फिर भी अभी आपकी सोसाइटी पेट्रलिनियल है मत बोलो कि जो फैमिली का नाम हमारे दिमाग में ये बात है कि फैमिली का नाम मेल से चलता है तो फीमेल है वो दूसरे घर में जाती है उसका नाम चलाती है ये एक सेंट्रल जो सोशलॉजिकल फिनोमिना है ना सिंगल मोस्ट फैक्टर यही है वेस्ट में क्यों सक्स रेसो ज्यादा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर पे? वहां पेट्रलिनिटी है ही नहीं है सर आई एम आई एम जस्ट सजेस्टिंग इट बिकॉज लाइक अगर कोई थर्ड uh, मंथ या फोर्थ मंथ में प्रेगनेंसी के पता लग जाए कि गर्ल चाइल्ड है किसी के घर पे जिसका बर्थ होना है सो देयर वुड वुड बी एनहांस्ड विजिलेंस कि भी अथॉरिटीज चेक कर सकती हैं अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है सर उस बच्चे के साथ सो so देन Somebody तो would be liable ये तो वुमन इज प्रेग्नेंट बताएगा कौन सरकार को कि प्रेग्नेंट है ये वो क्यों बताएगा कोई बंदा ऐसा जिसने करना है काम ये राजा उस राजा अलाउ कर देंगे तो उस चक्कर में वो रास्ता निकाल लेगा कोई ठीक है सर है ना सर ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं है कि सरकार को अपने पता लग जाएगा कि हाँ ऐप में कोई इंडिकेशन आ जाएगी ये तो मेरे बताने पे है ना तीन महीने में, में तो वैसे कुछ पता लगता नहीं है कि सर क्या ये सजेशन देनी चाहिए कि वुमेन को लैंड राइट्स दे दें लैंड लैंडराइट ऑलरेडी हैं अब बराबरी वुमेन मतलब जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबरी की हिस्सेदार है ये लॉ कब से बदल चुका है अब ये वुमेन के अपने मांगने पे है वुमेन की अवेयरनेस पे है और वुमेन का अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर मेल के साथ इक्वल अधिकार है समझ लीजिए बात आप इंडी इंडिया हिंदू सक्सेशन एक्ट वो लॉ अमेंड हो चुका कब का अब अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वुमेन इक्वल हिस्सेदार है इक्वल रिमेंबर इक्वल हिस्सेदार है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस मामले में खत्म हो चुकी कहानी है बस ज्यादा नहीं यार क्रिएटिव होना है इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा से कंट्रोवर्शियल से होते हैं तो एक 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 प्रॉपर एक लेवल मतलब एक सिस्टम अगर हम फॉलो करें तो वो बेटर रहेगा तो इसमें क्या है अवेयरनेस करनी है हमारे को वुमेन की एंपावरमेंट करनी है है ना इंडिपेंडेंट होए है ना और दूसरा आपको जो लॉ को स्ट्रिक्टली और इम्प्लीमेंट करना है जो तो पीएनडीटी एक्ट है सर पीएनडीटी एक्ट है उसको और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है सो so दैट इसको मिसयूज़ ना हो पाए सर लोकल लेवल के इनिशिएटिव्स बता सकते हैं जैसे सेल्फी विद डॉटर है क्या करें सर लोकल लेवल के इनिशिएटिव्स बता सकते हैं जैसे सेल्फी विद डॉटर नहीं जो आपने एंड में कहा मुझे समझ नहीं आया सेल्फी विद डॉटर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हाँ कर सकते हो बट ज्यादा इस इसमें ना मैं रोल ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो कॉन्ट्रोवर्सियल चीजें होती है कि आप जैसे पंजाब में उन्होंने एस को इन्वॉल्व कर लिया है ना एक टाइम पे आज से पंद्रह बीस साल पहले एस ने अपना एक फरमान जारी कर दिया कि कोई करेगा नहीं ऐसे अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर ले उससे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी होगी कि क्या गवर्नमेंट को ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्टेक्ट करना चाहिए क्या गवर्नमेंट में खुद इतना दम नहीं है कि वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करा पाए तो अल्टीमेटली क्या है ना कि हमें मैं इस इस क्वेश्चन में ना सेफ निकलने वाली बात करता हूं, बिकॉज इसमें बहुत सारी तारे हैं जो आप जुड़ जाती हैं है ना बाकी दो तीन दो चार क्रिएटिव को अगर सजेशन देने हैं तो यू कैन ऑलवेज गिव ठीक है चलिए ये हो गया आपका सेक्स रेशो मुद्दा जो आई uh, थिंक कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको टैकल कर पाओगे मेरे हिसाब से क्वेश्चन और था सर हाँ जी पूछो

इसमें अवेयरनेस वाली बात नहीं आती अल्टीमेटली अवेयरनेस तो आप लिटरेसी लिटरेसी हमारे यहाँ एजुकेशन है थ्री आवर्स है, है ना यस सर लिटरेसी को आप विजडम से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो लिटरेसी इज थ्री आवर्स की पढ़ लिख गया बंदा बस वो है ना तो लेकिन ये चीज तो पढ़े लिखे दायरे में नहीं आती सबको पता है जो करते हैं जो टेस्ट करा के अबॉर्शन कराते हैं उनको पता नहीं है क्या चाहे वो अनपढ़ ही हो दे नो दैट दे आर परफॉर्मिंग एन इीगल एक्ट उसमें लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको तो यह है कि मेरा पहली लड़की है दूसरा लड़का होना चाहिए तीसरा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अब देखिए एज कम्पेयर टू अगर आप देखो अमंग मुस्लिम्स आप नेशनल लेवल का डाटा देख लो अमंग मुस्लिम्स अगर हम ओवरऑल देखें लिटरेसी रेट इज मच लोअर देन इकोनॉमिक लेवल इज मच लोअर देन बट सेक्स रेशो इज मच हायर वो ऐसा क्यों है प्रैक्टिसेस नहीं होती नहीं 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 डॉरी क्यों नहीं होती तो बहुत कुछ होता है छोड़ो उस बात को छोड़ो बात ये है कि वहां पर अभी number of children के उपर, status perception के जुड़ा नहीं है वो दो हो रहे हैं तीन हो रहे, रहे, रहे फर्क ही नहीं पड़ता तीन लड़कियां तीन लड़कियां होंगी कोई बात नहीं सर इसमें एक ये हो सकता जहां है पे भी, जहां पे भी जिस सोसाइटी में भी स्टेटस प्रसप्शन आ जाएगी की बच्चे दो ही अच्छे स्मॉल फैमिली नॉम वहाँ पे टेस्ट की फ्रीकेंसी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ पेटेलिनिटी क्योंकि आपको लड़का चाहिए चाहिए, नाम लड़के से चलेगा सर, इसमें एक हो सकता है है ये ये कि because of low income level in southern like नू में, तो आ, ये जो हैं, वो इतने नहीं है इस नहीं। पे। से बिल्कुल है। है। यही तो आंसर है और पर स्टेटस परसेप्शन भी लो है बच्चे तीन हो जाए चार हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ध्यान से समझना बस इसको और ज्यादा मत घसीटो इसको आई थिंक एनफ है ये ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ खाप पंचायत का मुद्दा जो एक सो, सोशल डोमेन में खाप पंचायत अगेन इसका आंसर बड़ा आपको बैलेंस तरीके से देना पड़ेगा बिकॉज यू आर फॉर द इंटरव्यू इन हरियाणा देखिए खाप पंचायत आप बेसिकली कास्ट पंचायत आप इसको मोटा मोटी कह सकते हैं कास्ट पंचायत है ये है ना विच आर बेसिकली इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द मैटर्स रिलेटिंग टू कास्ट

जब मतलब दे यूज टू एक्ट पैरल टू विलेज पंचायत है ना जो विलेज पंचायत होती थी उससे एक्ट करते थे जो विलेज पंचायत थी वो विलेज के मैटर्स मैटर करती थी जो डिफरेंट कास्ट uh, से ऊपर थे और जो कास्ट पंचायत थी वो कास्ट के इंटरनल मैटर्स डील करते थे राइट इन मोस्ट ऑफ द एरियाज अगर देखा जाए तो कास्ट पंचायत की भी अपनी हरारकी थी एक और मैटर जैसे अपील में जाते हैं वैसे पहले अपील में भी जाते थे राइट right. तो अब अब ये मॉडर्न टाइम्स में अब खाप पंचायत कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई है व्हाई वाज इट इन न्यूज़ या व्हाई इट इज दैट खाप पंचायत हैज बिन ब्रॉड टू बैड लाइट समहाउ बाय सम फ्यू पीपल देखिए खाप पंचायत का एक ही केस में जो है बेसिकली दे दे अगर हम इन जनरल देखें तो दे ट्राई टू इंपोज ट्रेडिशन ऑन पीपल ट्रेडिशन ऑन पीपल कि दे बेसिकली पंचायत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो ट्रेडिशन को इम्पोज करने की कोशिश करती है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग हैबिट्स हो है ना? मैं अभी ओनर क्लिंग पे नहीं आ रहा मैं छोटी छोटी बातों पे आ रहा हूं कि ऐसे ड्रेस पहननी है है ना या इन टर्म्स ऑफ सोशल पार्टिसिपेशन हो कि कौन क्या कहा पार्टिसिपेट कर सकता है ऐसा होता है लोकल लेवल पे खास खाप पंचायत कोई लोगों पे हल्की हुल्की रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है कि लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए वैसे नहीं पहनने चाहिए या ऐसी सोशली ऐसे प्लेसेस पे जाना या नहीं जाना ऐसा होता है मोर ग्रेड केसेस में राइट खाब पंचायत द ब्रीच ऑफ विच तेन इनवाइट ऑनर किलिंग मतलब उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट केस है वो है सगोत्र मैरेजेस कि गोत्रा के अंदर सगोत्र गोत्र कि अगर आप अपने गोत्र के अंदर शादी करेंगे तो आपको हम बहिष्कार कर देंगे या गांव से निकाल देंगे मे लीड टू ऑनर किलिंग ठीक है ना ये चाहे विलेज के अंदर शादी की बात है विलेज एंड की बात है या गोत्र के अंदर शादी करने की बात है तो ये खाप खा पंचायत ऑफ द ओपिनियन की एक इंसान को अपनी गोत्र के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए डू टू विच दिस कास्ट डू टू फ्यू केसेज ऑफ ऑनर किलिंग ठीक है तो ये इस वजह से खाप पंचायत न्यूज में है बट ऐसा नहीं है कि ये इसको आप इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिशन की फॉर्म में लेनाटिव पॉजिटिव के फॉर्म में लेना है इंपोजिशन ऑफ ट्रेडिशन की फॉर्म में लेना है देखो आपने ना खाप पंचायत की फेवर करनी है ना अगेंस्ट होना आपको फैक्ट बताना है कि ट्रेडिशन को इंप्लीमेंट करने की इनकी इच्छा है उस चक्कर में ट्रेडिशन को इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में सम दे कम इन विद मॉडर्न लॉ उनके कुछ detects, उनकी जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो मॉडर्न लॉ उसको मानता नहीं बिकॉज मॉडर्न लॉ जो है वो इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंस देता है और इंडिविजुअल विल को आ, अपना रिस्पेक्ट करता है तो खा पंचायत के केस में क्या है कि वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को कम्युनिटी से नीचे मान रहे हैं वो कम्युनिटी विल को ज्यादा importance दे रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ठीक है ना अब इसमें दो तीन तो आगे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं कि डू यू थिंक शुड बी बैंड कौन आंसर करेगा do you think खाप पंचायत शुड बी बैंड नो नो they बिकॉज दे Because... imposing ट्रेडिशन और अगर सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना है तो आप

रेगुलेशन पन... uh, in, in uh, totally कर सकते हैं sir, sir. क्या करोगे? Sir, कर सकते हैं कि uh, खाप पंचायत कोई भी ऐसे डिसीजंस ना ले विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक राइट्स और विच इज अगेंस्ट द प्रिपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल

खा पंचायत शुड नॉट बी बैंड बट दे शुड बी रेगुलेटेड रीजन बींग दे कैन एक्ट एज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेज वेल जो कि लो कॉस्टली रहेगा एंड दे कैन बी हेल्पफुल इन लाइक गाइडिंग द फॉर द न्यू इनिशियेटिव जैसे कि अगर खा पंचायत में अगर कोई चेंज लेके आया जा सकता है तो वो गाँव में इजिली परकुलेट करेगा सर hmm. ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन तो और भी हमारे पास अवेलेबल है एक ग्राम न्यायालय हो गया बस और कोई छवि है सर <laughs> सुप्रीम कोर्ट ने तो इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है ना इनको नहीं नहीं कोई एसोसिएशन या कोई ऐसी चीज इलीगल नहीं होती एक्टिविटीज इलीगल हो जाती है कि जो आप कह रहे हो गलत है हां सर डिक्टेट्स ऑफ खा पंचायत को इलीगल बोला तो करना क्या चाहिए बैन कर दें

Overstep the uh, bounds, and whenever they're in conflict with the law, right. sir, those events should be the victims should be protected by law, mm -hmm. and the leaders of the cab should be uh, talked to, or uh, the government should inform, and it sh we should establish a communication and tell them that the uh, law of the land is clear on X Y Z matter. So this is, uh, but ittani sir. देखो सबसे पहला मेरा बात सुन लो ध्यान से ये इंटरव्यू क्लास है ना जी सर और आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज के लिए है ना जी सर पहली तो बात ये है कि आपने कभी लेने से घबराना नहीं है सारे ऐसे नहीं है, सर बैन नहीं करना चाहिए बैन नहीं करना चाहिए बैन नहीं करना चाहिए ऐसा आप वो क्यों हो रहे हो तो क्योंकि पोलिटिकल मैटर है इसलिए जी सर है ना तो देखो अब आंसर सुनो ध्यान से आप सारे सर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारे को राइट टू फॉर्म एसोसिएशन देता है और खाप पंचायत ऐसी एसोसिएशन हैं वो लोकल कम्युनिटीज या कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही एंड पीपल right है सर कि हर एसोसिएशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम करना है कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में काम करना है तो टकराव हो जाता है तो खाब पंचायत को यह समझना पड़ेगा कि हमें ऐसे मुद्दे जो मॉडर्न लॉ के अंडर आते हैं उसमें नहीं पढ़ना है और मॉडर्न लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है हाँ लेकिन सर अगर कोई खाप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना करती है तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा उसको बैन करने के बजाय

अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर सकते बिकॉज गोत्र के जो सारे लोग हैं वो आपस में ब्लड रिलेशन माने जाते हैं भाई बहन माने जाते हैं और कल्चरली सगोत्र मैरिजिज करनी हिस्टोरिकली इंडिया में बैन माने की है नंबर दो सेकेंडली मॉडर्न लॉ के अंदर सर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मैरिज है वो एक इंडिविजुअल अफेयर है और हर इंडिविजुअल को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है एट द सेम टाइम सर एक बायोलॉजिकल लॉजिक भी है बायोलॉजिकल स्टडीज है जो अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं है कि सगोत्र मैरिजिस को बायोलॉजी भी प्रिवेंट करती है कि ना की जाए बिकॉज उससे कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है लेकिन वो अभी तक पूरी तरह प्रूव नहीं है सो so, मेरे अकॉर्डिंग सर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखें तो सगोत्र करने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर कल्चर ये कहता है कि सगोत्र सगोत्स ना की जाए राइट तो इन जनरल एक अवेयरनेस हमें लॉन्च करनी चाहिए सो so दैट कि अगर लोग उसको वॉलंटरली एक्सेप्ट करें तो ये समस्या दूर हो सकती है कॉन्ट्रोवर्सी दूर हो सकती है अदरवाइज इंडिविजुअल इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन ऑफ हिस चॉइस हम उसको रोकने वाले कोई नहीं होते राइट तो या फिर लॉ लॉमेंट किया जाए सर एक्सक्यूज मी सर हां जी सर इवन इन हिंदू लॉ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्पिनडा मैरिज दैट सेवन जनरेशन फ्रॉम फादर साइड एंड फाइव जनरेशन दैट इज कस्टमरी वो कस्टमरी वो कस्टमरी है कस्टमरी वो मानना ना मानना आपके हाथ में okay. वो इम्पोजेबल नहीं है ना यस सर हां वो यू कैन नॉट इंपोज कस्टमरी लॉ वो आपके मानना आपके आपकी मर्जी है वो ओके okay. देखो कैसे बैलेंस आंसर बनेगा ये लेकिन बहुत ध्यान से आंसर करना है जरा सी फिसली नहीं और कहा आंसर कहीं और पहुंचा नहीं, तो इसको लिख के अपने कागज पे उसको प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से और फंसना नहीं है ऐसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर और ये नॉर्मली पूछते हैं ये सेक्स रेशो सबोत्र मैरिजेस ऑनर किलिंग खाप पंचायत ये तो आम पूछते हैं आम हाँ जी आई है डाउट जल्दी पूछे हाँ जी So say... okay, 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 सर जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमें या तो यस था दिमाग में या नो था तो क्या हर क्वेश्चन में ऐसे बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल सकते हैं डायरेक्ट यस या नो ना ही बोल तो यस नो ही नहीं है इसका आंसर इसका यस नो हो ही नहीं सकता आंसर ना जिसका हो, नहीं हो सकता आंसर तो नहीं हो सकता जिसका हो सकता है उसका हो सकता है okay, को को मेल हमें, हमें... क्या, क्या, क्या चाइल्ड आप, आप क्या कहोगे नो नॉन इन ये तो किसी भी केस में आप हानि कर सकते ना हाँ जी हाँ डिपेंड्स okay. तो क्वेश्चन यस और नो में आंसर करना है कहाँ आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है

कि <laughs> होता क्या भी है बेसिकली चक्कर क्या होता है ये स्पिंदा कहाँ लाई करता है फैमिली कहाँ लाई करती है गोत्र कहाँ लाई करता है जाति कहाँ लाई करती है है ना जी ओके सर तो चलो लेकिन आपको जानने की जरूरत भी नहीं है इतना क्यों बोझ डालना दिमाग पे आ जाइए नेक्स्ट अब नेक्स्ट चलते हैं देखिए अब छोटा सा एक इशू है अगला इशू है आपका आपका इश्यू इसमें आता है जो आजकल हरियाणा में चल रहा है वो है माइग्रेशन का पीपल आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज फ्रॉम इवन हरियाणा चाहे वो कनाडा की तरफ है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है चाहे न्यूजीलैंड की तरफ है कि एक माइग्रेशन की टेंडेंसी हरियाणा से ही पैदा हो गई है फिर एक हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक समस्या है. है ना अनए्लॉयमेंट बढ़ रही है हरियाणा में और तीसरी अने, समस्या अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक ड्रग एडिक्शन की भी हरियाणा में नजर आ रही है पंजाब तो पहले इसी प्रॉब्लम है ड्र, ड्र, के, बट में के बढ़ रहे हैं। तो माइग्रेशन अनुप्लॉयमेंट ड्रग एडिक्शन तीन ये प्रॉब्लम्स हरियाणा में एक फास्ट आ, फास्ट ग्रोइंग प्रॉब्लम इमर्ज हो रही हैं आप एग्री करते हो ये सर yes, क्योंकि हरियाणा से पहले अगर आप देखें आज से सात आठ साल पहले तक दस साल तक पहले देखें तो माइग्रेशन उतनी हरियाणा से नहीं थी नहीं। अगर आप अनुप्लॉयमेंट देखिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी इतनी ज्यादा या ड्रग एडिक्शन तो हरियाणा में हमेशा कम मानी जाती है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बहुत कम मानी जाती है और इसके साथ साथ एक कलमिनेशन क्राइम पे भी हो रहा है रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है कि हरियाणा में जो क्राइम है वो भी बढ़ रहा है ठीक है ना अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है कि माइग्रेशन क्यों बढ़ रही है

आप अगर मेन्स फॉर्मेट में वहां पर आंसर करने लग जाओगे तो आप जो सबसे इनसिग्निफिकेंट बात है वो पहले कहोगे और जो सबसे सिग्निफिकेंट है एंड में कहोगे आप क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम पकड़ना है क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम पकड़ना है अनएम्प्लॉयमेंट तो क्यों है अब सारे अगर आप देखो कि जो दो तीन साल पहले चार साल पहले जो आपका दो तीन साल पहले वो एजुकेशन हुई थी फार्मर्स की फॉर रिजर्वेशन सपोज है ना रिजर्वेशन के लिए वो उसका भी तो कहीं ना कहीं लिंक है ना यहाँ पे या जो लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से तो उसका भी तो कहीं ना कहीं लिंक है yes, sir. क्राइम बढ़ गया तो क्राइम अगर क्राइम कोई अर्बन एरिया yes. तो कहीं ना कहीं रूरल डिस्ट्रेस दिखता है ये सारी चीजें क्या कहीं से कहीं रूरल डिस्ट्रेस से लिंक्ड है मैं इसका अलग अलग आंसर नहीं बनाने वाला मैं इसका एक आंसर दूंगा आपको वहीं से सारी जो प्रॉपर आपका लॉजिक बनेगा कि जैसे मर्जी डिस्कशन बोर्ड कर ले आप पीछे नहीं हटोगे क्या इन चारों चीजों का कहीं ना कहीं लिंक रूरल डिस्ट्रेस से है कि हमारे जो तो रूरल एरिया हरियाणा के वो डिस्ट्रेस में है कहीं ना कहीं यस yes, जी सर है ना अब रूरल डिस्ट अगर मैं रूरल डिस्ट्रेस का रीजन निकाल लू तो मैं उसको इजिली रूल डिस्ट्रेस के रास्ते से माइग्रेशन पे ला सकता हूँ मैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट पे ले सकता हूँ मैं उसको ड्रगेट पे ले जाऊं मैं उसको चाहे क्राइम पे ले जाऊं लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि हरियाणा में अर्बन डिस्ट्रेस है नो no. अर्बन तो हरियाणा के अर्बन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कहीं रूरल डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस के कारण क्या है? अब रूरल डिस्ट्रेस, से डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस से का हमें कारण ढूंढना है कि रूरल डिस्ट्रेस क्या है अब रूरल डिस्ट्रेस का जो कोर है वो आता है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आता है जो सेंट्रल है रूरल डिस्ट्रेस में वो एग्रीकल्चर है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हमारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रूरल डिस्ट्रेस आ रहा है अरे भाई एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है अब एग्रीकल्चर अगर पैसा देता खूब ध्यान से कहानी सुननी है ध्यान से बहुत ध्यान से फंडे क्लियर हो जाएंगे लाइफ के बिल्कुल आपके भाई अगर एग्रीकल्चर पैसे पूरा देता जो दे रहा था सिक्सटीज में सेवेंटीज में एट्टीज में तो फिर किसी को क्या समस्या थी घर में पैसा आ रहा है बच्चे अपना ट्रैक्टर पे घूम रहे हैं बच्चे मजे कर रहे हैं बच्चे एग्रीकल्चर में भी जा रहे हैं क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है वो शाम से गांव खेत में जाते हैं पेरेंट्स के साथ और वहां बैठते जाके क्योंकि खेत उनके लिए रोजी रोटी का साधन है और जो उनको प्रॉफिट देता है तो एग्रीकल्चर जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अभी क्या प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही है ठीक बात है प्रॉफिटेबिलिटी डाउट हो रही है एग्रीकल्चर में उससे रूरल डिस्ट्रेस आ रहा है डन अभी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों डाउन हो रही है प्रॉफिटेबिलिटी क्यों डाउन हो रही है इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है सर फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इनपुट इनपुट एंड एंड आउटपुट आउटपुट सर प्रॉफिटेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट कॉस्ट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे जैसे कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर है कॉस्ट ऑफ सीड है कॉस्ट ऑफ लेबर है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये सारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है बट आउटपुट दैट इज द प्रोडक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग टू दैट एक्सटेंट ठीक बात yes. तो उससे क्या है कि जो रिलेटिव आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है इनपुट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इज इंक्रीजिंग आउटपुट कॉस्ट जो है आउटपुट डिक्रीज हो रही है प्लेट्यू पे आ गई है आउटपुट आजकल प्लेट्यू पे है कि हाँ एक सिग्निफिकेंट प्लेट्यू पे आ गई और लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है ना अब इससे होने से क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी कम होने से अभी मैं इसके और एंगल बीच बीच में डालूंगा ध्यान से ये चार्ट ही अपनी कॉपी में मना कितने सारे आंसर हो जाएंगे आपके कितने सारे आंसर लेकिन एक सेंट्रल लाइन जो इनपुट आउटपुट ये इनपुट एंड आउटपुट है है ना ये कॉस्ट आप कह रहे हो कि में आ रहा है ये right? राइट तो अब ये ये क्यों आ रहा है

ड्यू टू मोनोकल्चर एंड राइस वीट साइकिल जो है आपका वजह से इनपुट बढ़ गए आपको फर्टिलाइजर ज्यादा लगाना पड़ रहा है पेस्टिसाइड ज्यादा लगाना पड़ रहा है लेकिन ज्यादा लगाने के बाद भी उतनी आउटपुट आपको नहीं मिल रही तो कन्वेंशनल जो मोनोकल्चर है राइट वीट साइकिल है जिसकी वजह से जो है इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है बिकॉज लैंड डिग्रेडेड हो गई है यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी ग्रे प्रॉब्लम है नॉट ओनली इन हरियाणा बट ऑल्सो इन पंजाब हरियाणा में तो प्रॉब्लम फिर भी अभी कंपेरेटिवली कम है बट पंजाब में इट है डिग्रेस इतनी हो गई है कि आप कितना भी इनपुट डालो अब वो जो इनपुट आप डालोगे केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वो आता तो अल्टीमेटली फूड चेन में ही है फिर हम कहेंगे जी कैंसर केसेस हो रहे हैं कैंसर केस तो होना ही है कि आप ठोक ठोक के फर्टिलाइजर डाल रहे हो पेस्टिसाइड डाल रहे हो क्रॉप्स में लेकिन फिर भी आप उतनी प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे तो लैंड डिग्रेडेशन हो रही है टू टू मोनोकल्चर राइट जिससे इनपुट आउटपुट इंबैलेंस हो गया प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई जिससे एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस आ गया डिस्ट्रेस आने की वजह से यूथ इज नॉन नो लंगर इनक्लाइन टूवर्ड्स एग्रीकल्चर तो उसको अब वो अगर एग्रीकल्चर में इंक्लाइंड नहीं है तो कहां और इम्प्लॉयमेंट मिलेगी अल्टरनेटिव इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही एग्रीकल्चर में वो जाना नहीं जा रहा अगर वो नहीं जाना चाह रहा तो फिर क्या करेगा बाहर जाएगा माइग्रेशन नहीं जाना चाह रहा उसको नहीं अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मिलता मिलता ड्रग एडिक्शन करेगा करेगा अगर फिर भी कुछ क्राइम सोचो अल्टीमेटली तो, तो ऐसा ही होना है ये तो यूथ है एक वो एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहता क्योंकि वहां पर रेमोरेटिव नहीं है कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है अब उसके पास दूसरी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं लोकल लेवल पे है ना और अब अल्टीमेटली या तो वो भाग जाने की भागेगा कि पैसा है तो ठीक है जी मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो कनाडा भेज दो या फिर वो क्या करेगा ड्रग ले लेगा डिप्रेशन में आके कि कि यार मैं मैं क्या करूं है ना अब मैं सारे इन सब के आगे डालूंगा यहां यहां पे कि इसमें और चीजें कॉम्प्लिकेट कैसे होती है लेकिन ये फ्लो चार्ट समझ आ गया आपको एक सेंट्रल लॉजिक समझ आ गया अल्टीमेटली yes, आप ये सारे बात समझ लो कि द वे यू आंसर द क्वेश्चन मैटर्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट 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 मतलब जो सेंट्रल लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए ये नहीं है कि और बातें आप पड़गम पड़गम बोली जा रहे हो लेकिन क्रक्स पे पढ़ने जैसे मैंने कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा मतलब हार्डली आई कुड गेट वन आंसर मोस्टली वन आंसर एक आंसर मुझे बच्चे ने दिया बस बेटा तो तैयारी करनी है ये आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं आपसे और ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना देगा एक आंसर अगर आपने ये कह दिया कि सर क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम लाइज इन द मोनोकल्चर और द राइस व्हीट साइकिल प्रैक्टिस uh, उसी से ही सारे लैंड डिग्रेड हो रही है लैंड डिग्रेडेशन की आउटपुट इतनी नहीं बढ़ रही प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है जिससे रूरल डिस्ट्रेस हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी से यूथ जो है वो एग्रीकल्चर में आना नहीं चाहता इसलिए अनएम्प्लॉयड है वो और जब अनएम्प्लॉयड होता है तो या तो वो भागेगा माइग्रेशन का या वो भागेगा ड्रग एडेक्शन को लेकर या फिर कोई क्राइम करेगा ठीक है ना अब ये जो सारी हमारी फ्लो चार्ट है इसको दो चीजें और कॉम्प्लिकेट कर देती है सारे बोला करो चुपचाप मत बैठा करो यार मैं इतनी yes, सर बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया समझ में आया सर हाँ थोड़ा सा ऐसे वो देते कहते हैं उसको क्लैरिटी हो दांत देते रहा जी सर <laughs> चलो अब एक लाइन बन गई अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ जरा अब ये जो सारा फ्लो चार्ट है आपका ये कॉम्प्लिकेट कैसे हो जाता है पहला कॉम्प्लिकेट इस वजह से हो जाता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर इन, इंडस्ट्री लिंकेज है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज वो प्रॉपर नहीं है हम अभी भी वीट राइस बेसिक वीट एंड राइस के उस पर बैठे हम वी आर नॉट इनटू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारा जो पैदावार स्टेट में हो रही है अगर यहाँ पे प्रोसेस भी हो तब भी लोगों को मिल बासमती है जो एरिया, जो एरिया, जो बासमती तो की फैक्ट्रीज लगी हुई है प्रोसेस होता है सीधा एक्सपोर्ट होता है कैसा खूब है क्या रेट पे जाता है चावल देखो और एक नॉर्मल चावल किस रेट पे बिकता है अब एक नॉर्मल चावल वाला किसान है उसको क्या मिल जाना है कुछ भी नहीं लेकिन फिर अगर बासमती राइस उगानी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा है तो लेकिन पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए ऐसी बहुत सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज हम ड्रॉ कर सकते हैं वो लिंकेज हरियाणा में उतनी डेवलप नहीं हुई लैक ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेज कॉम्प्लिकेट दी मैटर नंबर टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन बहुत हो गई इवन सब एरियाज रूरल एरियाज में यूनिवर्सिटीज खुल गई कॉलेजेस खुल गए अब जो रूरल यूथ था वो लग गया पढ़ने वो कर गया इंजीनियरिंग हर बच्चा इंजीनियरिंग कर गया अब इंजीनियरिंग तो कर गया वो लेकिन उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर स्किल लेवल उसका बना नहीं नहीं जॉब उसको मिल सकती अब वो ना जॉब के काबिल रहा ना एग्रीकल्चर के काबिल रहा अब वो अब कई केसेस में ऐसा है कि पेरेंट्स ने लोन लेके उसको पढ़ाया इंजीनियरिंग कराई लेकिन जॉब मिल नहीं रही बिकॉज स्किल सेट डेवलप नहीं हुआ तो अगर उस बच्चे को उसकी मनोदशा देखो कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है अपना ये आप जॉब करेगा और लोन उतारेगा ये लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही तो वो ड्रग एडिक्शन पे जाएगा और या जा कोई क्राइम करेगा तो पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लैक ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल लिंकेज कॉम्प्लीकेट दूरल डिस्ट्रेस तो अगर एजुकेशन की क्वालिटी पुअर है नौकरी मिल नहीं रही तो फिर जो किसान है जो जाट है वो कहेंगे रिजर्वेशन दो कि हम अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में डालना चाहते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में तो कोई पैसा ही नहीं है एग्रीकल्चर में करके क्या करेंगे तीन भाई हैं या दो भाई हैं अब लैंड को फर्दर डिवाइड कर दें क्या क्योंकि विद टाइम लैंड की फ्रेगमेंटेशन होती जा रही है अब वो लैंड जो है इतना प्रोडक्टिविटी है ही नहीं कि दोनों को संभाल सके तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि भैया तुम एग्रीकल्चर में ना के यार कुछ और करो नौकरी करो नौकरी मिलती नहीं फिर वो रिजर्वेशन की डिमांड आएगी वहीं से क्राइम निकलेगा वहीं से ड्रग एडिक्शन निकलेगी वहीं से माइग्रेशन निकलेगी कुछ भी अलग नहीं है ये चारों प्रॉब्लम आपस में इंटरलिंक्ट है एंड दीज प्रॉब्लम आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ इवेंट्स विच बोथ द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड एंडा है हम बेसिकली क्या है कि अगर टाइमली हम अब अब ये हो गया बात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पुअर क्वालिटी डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ये तीनों का कॉम्प्लेक्स जो है एक रूरल डिस्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट करता है कि रूरल लेवल पे लोगों को हो पी हो नहीं है आप ये देख लो कि आप जिस जिस एरिया में ये लिंकेज नहीं है पंजाब में भी कई ऐसे एरिया जहां एंटरप्राइजिंग है फार्मर्स उन्होंने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करी और वो इस प्रॉफिटेबिलिटी के साइकिल में नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी खूब है उनकी खूब प्रॉफिटेबिलिटी है जब प्रॉफिटेबिलिटी खूब है तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ना वो इस, इस पूरे साइकिल में फंसते ही नहीं उनके बच्चे उनके साथ ही लगे हुए हैं क्योंकि प, कमाई बहुत है तो सिंपल सा चुछ अगर चुछ आपसे पूछा जाए कि वट इज वाई क्राइम इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा सर आई सी इट एज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू रूरल डिस्ट्रेस

कि अच्छा और कारण बताओ कि यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मतलब एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं जाना चाहता सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर अब क्या है सब एरियाज में रूरल एरियाज में इतने कॉलेजेस खुल गए हैं यूथ इज नॉट डूइंग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर रहा है विद होप कि मुझे कोई आगे जॉब मिलेगी लेकिन वो जॉब मिलती नहीं बिकॉज जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया उतनी लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई राधर जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं वही खत्म हो रही हैं अंबाला देख लो पानीपत देख लो पानीपत में इतनी सारी टेक्सटाइल मिल्स थी इतना वाइब्रेंट बिजनेस था लेकिन अब अगर आप अभी इंटरनल स्टोरी घुसो अंदर तो आपको लगेगा आपको दिखेगा कई फिक्स मिल्स तो बंद पड़ी है बहुत वो तो कपड़ा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से बना बनाए कपड़ा स्मगल कर रहे हैं लेके आ रहे हैं वही बेचे जा रहे हैं उनको सस्ता पड़ता है वो बना, खुद बनाने की बजाय लगाते हैं अपना है कोई पानीपत से पानीपत से कौन है अंबाला से कौन है अंबाला से है कोई कोई नहीं है आई एम सर आई एम फ्रॉम पानीपत पानीपत से हो तो क्या स्टेटस है पानीपत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वहां पे सर अभी तो एक्सपोर्ट्स तो बहुत ही डाउन है प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं एक्सपोर्ट तो डाउन चल रहा है प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी डाउन मतलब बट अभी

जो फॉसेट इंडस्ट्री थी जो तू, आपकी टूटियां नहीं बनती बाथरूम में लगती हैं टूटियां चार पांच बड़े बड़े यूनिट थे फॉसेट्स बनाने के शावर ये बनाने के और बड़े अच्छे चल रहे थे अच्छे ब्रांड बन गए थे वो आज की डेट में एक भी यूनिट चल नहीं रहा ये मेरी अपनी देखी हुई बात है मैंने अपनी एक, बात है एक भी यूनिट चल नहीं रहा दो यूनिट बंद पड़े हैं और दो यूनिट इंपोर्ट कर रहे हैं बस वो कहते हैं हमारे को खुद बना के कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है और इंपोर्ट की कॉस्ट कम है भाई वो तो ठीक है वो तो अपना धंधा कर रहे हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वो तो खत्म हो गई अगर पानीपत की टेक्सटाइल मिल्स हैं वो खत्म हो जाए तो आप सोचो कम हो जाए तो अल्टीमेटली तो प्रेशर एम्प्लॉयमेंट पे ही पड़ेगा ना रेड चलेगा टर्न दिखेगा फिगर्स आएंगी इंडस्ट्री की लेकिन एम्प्लॉयमेंट कही कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और जो क्रूशल लिंकेजेस बने होते हैं इंडस्ट्री के आगे 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 वो टूटेंगे उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं एंड में आएगा अब अगर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है आप सोच लीजिए उसके लिंकेज कितने दूर तक जाते हैं पूरे गांव में एक खेत है उस वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो क्या आपको लगता है सिर्फ वो खेती इफेक्ट होता है क्या पूरा गांव इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वो जो पैसा किसान ने कमाना है वो खर्च तो मार्केट में जाके करेगा तभी कपड़े खरीदेगा जाके कभी मिठाइयां खरीदेगा कुछ भी खरीदेगा तभी तो उन लोगों को काम मिलेगा अगर यही प्रॉफिटेबिलिटी उसकी नहीं है तो क्या कैसे खर्च करेगा वो जी सर तो डोमिनो फट पूरी इकोनॉमी में पड़ता है वो सो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज पुअर क्वालिटी क्योंकि आप सारा कुछ नहीं बोल सकते वहां पे इंटरव्यू का मतलब ही यही होता है कि दे डोंट एक्सपेक्ट आप मेन्स टाइप आंसर फ्रॉम यू दे एक्सपेक्ट अ इंटरव्यू टाइप आंसर फ्रॉम यू कि आप जो क्रक्स है वो उनको बता पाए आगे डिस्कशन चलती रहे चलती रहे आगे आगे मैटर लेकिन अगर आप कोर पॉइंट मिस कर गए और आप कुछ और ही बोलते रहे तो आंसर कहीं और ही चला जाएगा ठीक है जी अब आप इसका सोल्यूशन क्या है हाउ टू सोल्व दिस दिस कॉम्प्लेक्स पैटर्न सोल्व कैसे करें इसको सोल्व करने के लिए इसको रिवर्स कर दो ध्यान से समझो मोनोकल्चर की जगह अगर हम एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दें वैल्यूएडेड क्रॉप्स के लिए फार्मर को मोटिवेट करें कि तुम एडेड क्रॉप्स कमाओ आप मेडिसिनल प्लांट्स लगाओ आप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाओ आप ग्रीन हाउसेस लगाओ आप नई नई ऐसी क्रॉप्स लगाओ जिसकी ग्लोबल डिमांड है अगर वो क्रॉप्स लगाते हैं फार्मर एक तो उनकी जो लैंड डिग्रेडेशन है वो कम होगी जो बैलेंस लैंड के अंदर गड़बड़ाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू होगा बिकॉज पर्टिकुलर क्रॉप जो है अगर मोनोकल्चर में एक क्रॉप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिय हित से लेती है वही लेती रहती है उसी से लैंड डिग्रेड होती है अगर आप वैसे भी क्रॉप प्रोटेक्शन करते रहो तब भी लैंड बच सकती है जैसे अगर आप आप आ, कभी बरसीम आपने उगा दी पहले ऐसे ही होता था पहले ऐसे लैंड को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते थे अलग बात है ये कि अगर आपने कनक उगाई है तो ठीक है दो महीने के लिए बरसीम उगा दो तो उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है लैंड अपने आप अप, अपने आप को रिज्यूमिनेट कर लेते हैं लेकिन अब इतना प्रेशर है कि थ्री क्रॉप पैटर्न टू क्रॉप पैटर्न मत तीन तीन क्रॉप्स ले रहे हो आप लैंड को सांस ही नहीं दे रहे और न्यूट्रिएंट्स निकलते जा रहे हैं और उस न्यूट्रिएंट्स को आपने देने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड दबा के डालते जा रहे हो So तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो देखो हर चीज को गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए होता है जी ना? सर तो uh, अल्टीमेटली so इसको आप फर्स्ट सजेशन टू करेक्ट द ओवरऑल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस सिचुएशन इज कि आप मूवमेंट ऑफ फार्मर्स मोटिवेटिंग फार्मर्स टू मूव अवे फ्रॉम राइस वीट साइकिल टू मोर एग्रीकल्चरली डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स ठीक है इसके लिए क्या करना चाहिए सर इसके लिए हमें जैसे हमने ग्रीन रेवल्यूशन में किया था एक्सटेंशन ह्यूज एक्सटेंशन एक्सरसाइज हैज टू टू बी डन गिव अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव द फार्मर्स किसानों को देने के लिए हमें एक देखो किसान जो है उसके पास खेत है उसकी उसकी जीविका है एक भी क्रॉप खराब हो गई है ना जो एक मार्जिनल फार्मर है या स्मॉल फार्मर है या एक इंटरमीडिएट फार्मर है अगर उसकी एक भी क्रॉप खराब हुई भूखे मरने की नौबत आ जाएगी रिच फार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं छोटे फार्मर की बात कर रहा हूँ तो वो रिस्क नहीं लेता आपको कहीं कही ना कहीं उसको गाइड करना पड़ेगा आपको उसको कहीं ना कहीं हाथ पकड़ना पड़ेगा कि तू ठीक है आपको अल्टरनेटिव देना पड़ेगा कि ये उगा ये इनपुट कॉस्ट है इस इनपुट कॉस्ट से ये प्रोडक्शन होने की उम्मीद है और ये प्रोडक्शन जो है आप इस प्रोडक्शन से यहाँ बेच सकते हो और ये बेचने की जगह है और आपको हम साथ में इंश्योरेंस कवर देते हैं कि इंश्योरेंस फैसिलिटी देते हैं कि अगर इनकेस की गड़बड़ होती है तो इंश्योरेंस है इस तरह का एक बार तो सपोर्ट हमें फार्मर को करना पड़ेगा लेकिन एक बहुत सिंसियर एफर्ट चाहिए तो टू डाइवर्ट फार्मर्स फ्रॉम राइस वीट साइकिल टू अदर क्रॉप इन बोथ पंजाब एंड एंड हरियाणा यूपी तो उससे क्या होगा कि जो लैंड की डिग्रेडेशन रुकेगी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ने की वजह से रूरल डिस्ट्रेस कम होगा इसको कम होने से देखिए अगर आप ये भी उगाते हो तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज अपने आप बनेगी बिकॉज जो ये क्रॉप्स उगाओगे इंडस्ट्री को जानिए कहीं ना कहीं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज बढ़ेगी आप मानोगे नहीं एक मैं एक मतलब एक मेरे किसान मेरे टच में है वो छोटे खीरे नहीं होते इतने वाले छोटे खीरे yes, वो ग्रीन हाउस में छोटे खीरे उगाता आता है. है ना मतलब एक हेक्टेयर की लैंड से वो ईयरली चालीस पचास लाख रुपए कमा रहा है छोटे खीरे सीधे होटलों को जाते हैं फाइव स्टार होटल्स को चेन है सप्लाई चेन है उसकी पूरी एक कहीं मार्केट में बिकते नहीं सीधे होटलों में जाते हैं फाइव स्टार में मतलब दैट पर्सन हैज कैप्चर्ड एक फैक्ट्री से इतने पैसा कमा रहा है वो अब पंजाब या हरियाणा के फार्मर नहीं उगा सकते क्या बड़े एंटरप्राइजिंग का जो मर्जी करा लो अब एक एक टाइम पे ऑयल सीड्स का हुआ था आज से मैं तीस साल पहले की बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई थी कि हरियाणा के अंदर की ऑयल सीड्स आप सूरजमुखी ये उगाओ कितने तो फार्मर्स ने अडॉप्ट किया लेकिन वो एक्सटेंशन सर्विस चाहिए कि आपने किसान को आप एक्सटेंड करना पड़ेगा कि आपको सीड्स की ऑप्शन देनी पड़ेगी उन सीड्स के प्रोजन कौन से हैं या बेनिफिट्स है, क्या है कैसे उगेगा वो सारी टेक्निकल नो एक बार किसान को देनी पड़ेगी विदाउट दिस सपोर्ट अगर आप आप सोचो किसान अपने आप कर लेगा ये पॉसिबल नहीं है वो इतना रिस्क नहीं ले सकता yes. पंजाब में पूरा एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन जो तीस साल का था फेल हो गया क्यों क्योंकि गवर्नमेंट वॉज नॉट सीरियस पंजाब एग्रो फूड कॉर्पोरेशन बनाई गई कॉर्पोरेशन हाई लॉसेस में चलेगी बंद कर दिया उसको जबकि उसका सोल एम था कि एग्रीकल्चर डिस्क करनी है क्यों नहीं मॉडल पर चलते आजकल हर काम पीपीपी मॉडल से हो रहा है तो आप प्राइवेट पार्टनरशिप करो ना किसानों को लिंकेज बनवाओ इंडस्ट्री से प्रॉपर एग्रीमेंट्स बनवाओ तरीके से तो मतलब एक सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है बोथ पंजाब हरियाणा के एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस का वो है

सिंपल सब कुछ सारे आंसर होते चले जाएंगे आपके सारे आंसर होते चले जाएंगे आपके ये कुछ भी बचेगा नहीं क्लैरिटी आज तक नहीं आई थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सही बात सिंपल सी बात है ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये पंजाब हरियाणा की दिक्कत है अब आप कहो जी नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ कि, अरे सर जो, जो फॉर्म लॉस थे कॉर्न लॉस बेसिकली यही तो करने के लिए थे कॉर्न लॉस आर एमिंग एट डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लिंकेज सो दैट फार्मर्स जो है और क्रॉप उगाए और फूड प्रोसेसिंग लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज बने एफपीओ बने तो फिर फॉर्म लॉस को किसानों ने अपोज क्यों किया अगर तीनों ये फॉर्म लॉस इंप्लीमेंट हो जाते तो भाई फिर तो ये ये साइकिल अपने टूट जाता So why farmers of particularly Hanana, who needed the farm laws the most, why they were opposing it? Why they sir, were opposing because, it? They, because, uh, sir, I think there were several reasons why farmers were opposing the farm laws. Okay. One was that they were afraid for a transition, as they have been adapted to the rice wheat system. Mm -hmm. So they were afraid that this system would go away, as this. There was a chance of uh, going away of the APMC Monday systems and the MSP, hmm. which comes with it. Hmm. Secondly, sir, the farmers were also uh, uh, skeptical about the uh, provisions of the sir, Essential Commodities Act and hmm. the storage. Apparently, they were concerned about large, uh, large, large size stocking of hmm. grain and wheat, and they would not have the leveraging capacity to. ट uh, यार इतना बोलने का वहां कोई मौका नहीं देता ठीक है सर। इतनी कहानी कोई नहीं वहां बनाने देता मोटी सी बात होती है ये नहीं होता वो नहीं होता देखो अल्टीमेटली तो लॉ के अंदर सब कुछ था अगर आप लॉ को करो, बाइनलीर वॉज नो क्वेश्चन की फार्मर को, को एक्सप्लेट कर पाता कोई ऐसी बातें नहीं थी मैंने एक एक्ट का एक एक छान मारा एक-एक प्रोविजन देख लिया उसमें कोई ऐसी कहीं प्रावधान नहीं है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट जो है किसान को एमएफपी कि उसको स्ट्रेंथन करने का था कि फार्मर अपनी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए नए नए क्रॉप्स बनाए और नए नए जगह पे बेचे और ये सारा जो इनिशिएटिव था कि फार्मर के डोर स्टेप पे आके डीलर जो है पैसा ले सकता है अभी फार्मर्स जो है के हाथ में फिर भी पिसता है वो किसान में अपने सम, ए, -ए में सामान लेके जाता है वहां एक्सप्लाइट होता है करप्शन है वहां पे एफ की करप्शन डीलर्स की करप्शन आरतीयों की करप्शन मिलता क्या है उसको अल्टीमेटली एमएसपी से तो कम मिलता है प्राइस बहुत उसको अगर ए, -ए में बेचे जाके वो मंडी फीस देता है फिर कमीशन देता है आरती को फिर एफ वालों को कमीशन देता है अपने क्रॉप निकलवाने के तो बचता क्या है उसके पास एमएसपी तो कहने की बात है अगर कोई किसान एपीएमसी के अंदर जो है अपना मंडीज के अंदर कनक लेके जाते हैं या राइस लेके जाते हैं वो समझते होंगे मेरी बात को वो दो महीने दो दिन लेके लिए ट्रक लेके जाता है वो दो दिन ट्रक उसका खाली नहीं होता दो दिन का किराया पड़ जाता है उसका यस yes, सर वो किराया इतना हैवी हो जाता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे उड़ जाती है और अगर एफ वालों को पैसा ना दे या किसी और को पैसा ना दे तो ट्रक खड़े रहेंगे दो दिन उसके फिर वो पानी नहीं मारेगा क्या मारेगा उस क्रॉप पे फिर वो परमिशन लेता है कि ठीक है जी मैंने इतना पानी मारना है उससे वेट बढ़ जाएगा और जो उसने आगे पैसे पूछे दिए कवर होंगे थोड़े बहुत हो ही नहीं सकता ये तो चलो आगे स्पेकुलेशन की बात है लेकिन कभी भी ऑलरेडी प्राइसेज आर वेरी लो एमएसपी से प्राइस कभी हटाने से प्राइस ही नहीं सकता ये अरे मैं पच्चीस साल से पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स ट्वेंटी फाइव ईयर से ये जो एम ना विड्रॉ करने की डिमांड है वो तो बहुत रिसेंट है मतलब अपटिल टू थाउजेंड फिफ्टीन थर्टीन तक फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सिंह की एमएसपी खत्म करो हमारे पे रिस्ट्रिक्शन खत्म करो हम कहीं मर्जी जाके बेचें सडनली सब कुछ उल्टा हो गया सो सर कैन इट बी सेट दैट इट वाज ड्यू टू डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन दैट इट वाज परसीव्ड टू बी एंटी फार्मर बाय द फार्मर बिकॉज़ ऑफ आप सुनो अब uh, हो गया ना comfortable... हां ठीक है मैं आंसर देता हूं अब आप आगे चलेंगे फिर मोटी सी बात क्या है कि सर अपार्ट फ्रॉम द एप्रिहेंशंस एक्स एक्सपर्ट एक्सप्रेस बाय द फार्मर्स अपार्ट फ्रॉम द एप्रिहेंशंस एक्सप्रेस बाय द फार्मर्स जो फार्मर्स ने एप्रिहेंशन एक्सप्रेस करी हैं लाइक like, कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में एमएसपी खत्म कर देगी नंबर एक नंबर दो दे विल बी एक्सप्लॉयटेड बाय दी लार्ज कॉर्पोरेट्स बिकॉज वो सामान कम पैसे पर खरीदेंगे अपने अपना रसूख यूज करके दो नंबर तीन एबसेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव कहां है अगर वो राइस वीट पे डिपेंड रहेंगे तो ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है और राइस वीट पे साइकिल चल ही रहा है अभी तो उससे क्या है कि उनको लगता है कि कहीं ओवर सप्लाई ना हो जाए फूड ग्रेन की और मार्केट की प्राइसेस गिर ना जाए मार्केट प्राइसेस गिर ना जाए नंबर फोर देवर ऑल्सो सर एप्रीसिव की जो उनका आरती मिडलमैन कल्चर है वो खत्म हो जाएगा आरती एंड आरती के ऊपर जो फार्मर है किसान है बहुत डिपेंड करता है फॉर मीटिंग हिज लोन रिक्वायरमेंट मीटिंग हिज बफर रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनाइज जो क्रेडिट है वो कभी पूरा नहीं कर पाता आरतीय से वो आसानी से पैसे ले, ले लेता दे देता है चाहे आरती उसको करता है इंटरन वो अलग बात है लेकिन वो एक ऑर्गेनिक लिंकेज हिस्टोरिकली बना हुआ है सर ये एप्रीहेंशन है फार्मर की डेफिनेटली अगर हम फार्म लॉस की टर्म्स में बात करें तो ये सारी एप्रीहेंशन निराधार थी तो मैं ये समझता हूँ जो फार्मर का जो फेथ है गवर्नमेंट जो है फार्मर का फेथ विन नहीं कर पाई वो फेथ क्यों नहीं विन कर पाई फार्मर बिकॉज सर हिस्टोरिकली जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात है वो पास तीस सालों से हो रही है लेकिन बहुत कुछ गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं किया और किसान के पास डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा डायरेक्टली या कोई कंक्रीट स्कीम नहीं पहुंची तो इस करके फार्मर का जो फेथ है सर गवर्नमेंट पे वो एमएसपी से परे है ही नहीं है कि एमएसपी के अलावा गवर्नमेंट कुछ करेगी ये स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट जो पंजाब की और हरियाणा की प्रॉब्लम है और उन्हीं तभी इन्हीं एरियाज में ये कंसनट्रेट ज्यादा थी बिकॉज यहाँ के फार्मर्स को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फेथ

एंटायर सिस्टम में कलेप्स है कहीं कही ना कहीं जो हमें अर्जेंटली हमें ठीक करना चाहिए ये मेरा क्रक्स है जी क्रक्स दो साल का जो ये आंसर है मुझे इसके अलावा आंसर कोई दिखता नहीं बिकॉज लॉ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे फॉर्मर थ्रेटन फील करे लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है सर जो उसमें जुडिशियरी बंद कर रखी रह थी और सिर्फ एसडीएम था अगर ऐसी कोई, लूप हो है, कोई भी लॉ धीरे धीरे मैच्योर होता है आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन करो ना कि यहाँ पे अपील डालो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना डाले फिर बात है ना आप तो समरली कह रहे हो कि आपको खत्म कर दो लॉ को स्क्रैप कर दो बस तीसरी बात ही नहीं कर रहे कोई गवर्नमेंट ने कितना कहा कि आप सजेशन तो दो, दो ना कि चाहते क्या हो चेंजेस हम वो करेंगे ना इसमें फेडरलिज्म का इशू बोल सकते हैं कि मतलब कि उनके पास लीगैलिटी है नहीं है ये वाला लॉ पास करने के लिए क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है मतलब उन्होंने एज ए फूड आइटम कंकरेंट सब्जेक्ट उठा के लॉ पास किया Hello. अरे आपका वीडियो नहीं आ रहा है ना ऑडियो आ रहा है ना मतलब मेरे को लगा मेरे अकेले के साथ हो रहा है ऐसा नहीं नहीं आप मेरे पास भी नहीं आ रहा है ठीक है बाकी लोग भी यही कह रहे हैं आई थिंक सर का डिस्कनेक्ट हो गया होगा हम्म 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 वैसे आप जो एक बात बोल रहे थे आ आ या या आप। दिख भी रहा हूँ no, yes, 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 चले ठीक है तो मैं ये कह रहा हूँ अदरवाइज कितनी कमेटियां हैं जिन्होंने कह दिया कि ये मोनोकल्चर हमें तोड़ना पड़ेगा कैसे टूटेगा मोनोकल्चर ये जब तक हम इंडस्ट्री के साथ लिंकेज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर की जो क्रॉप ये एग्रीकल्चर में कोई उगाएगा उसको इंडस्ट्री तो उठाएगी और कौन उठाएगा नहीं तो बिकेंगी कहाँ पे वो पता लगे इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा आ गई और सामान बिक नहीं रहा फिर किसान सरकार को पकड़ेंगे yes. और फिर होगी तो 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 कि और मैं इसको गलत नहीं मानता इस रजिस्ट्रेशन को अल्टीमेटली हमारी अपनी करनी है ये पिछले तीस साल की जिसमें से तेईस साल तो मैं ही पढ़ा रहा हूं <laughs> हमारी तो करनी है ये कि हमने टाइमली एग्रीकल्चर एग्रीकेशन को सीरियसली लिया ही नहीं अब छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट इज सेल्फ रिलायंट इन राइस प्रोडक्शन कैन यू इमेजिन सरप्लस है छत्तीसगढ़ के पास जहां पे पंजाब हरियाणा से राइस जाता था वहां पे छत्तीसगढ़ ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि वो खुद राइस प्रोड्यूस कर रहा है और खुद प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस है उसके पास अब अब किसान को पंजाब हरियाणा को समझ नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगी और उनका खरीदेगा नहीं कोई राइस बिटिए आपको जल्दी से जल्दी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन करनी है अल्टीमेटली तो ये सारी समस्या के फिर के देखिए यहीं पे जुड़ी हुई है ठीक है जी एनी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एनी क्वेश्चन किसी ने पूछना हो सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सर एमएसपी कैन नॉट बी अल्टरनेटिव इज इन प्लेस

हटाने के सर आपने एक क्वेश्चन हमें दिया था इकोनॉमी ऑफ हरियाणा हाईवे इकोनॉमी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आगे उसे? चलते हैं चले आगे, चले आगे भी सर बस एक लास्ट एमएसपी अगर लीगलाइज क्वेश्चन है कि इफ बी एम लीगलाइज एमएसपी तो मतलब इज इट वायबल और एमएसपी कैन नॉट बी लीगलाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट अ मैटर व्हिच इज

जब आपके डोर स्टेप पे डीलर आके आपका अनाज उठाएगा तो आरती कहाँ रह गया तो धीरे धीरे तो आरती आप किसान को दिख जाएगा कि यार मेरे को तो फायदा है मैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रक करूंगा लेके जाऊंगा तो अपने दफ्ता लगाऊंगा वहां पे इससे अच्छा पर अगर मेरे को दो परसेंट डिस्काउंट पे तीन परसेंट डिस्काउंट पे भी देना पड़ रहा है उठा ले यार सारा सर तो सामान सामान उठवाएगी इंडस्ट्री तो उठवाएगी उस पर वैल्यू एड करेगी आगे बेचेगी वो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं आरती तो गायब हो गया बीच में से का तो प्रॉब्लम ही सारी आ ये जो लोग समझते हैं ये बात जो रूरल एरिया आरती है लेकिन मैं उसको समस्या नहीं मानता मैं समस्या अल्टीमेटली फेथ को मानता हूँ कि किसानों को फेथ नहीं है और आरती को भी फेथ नहीं है उस जो नया सप्लाई चेन मैकेजम है और विच इज विच टू तो बी मेड बाय एक्स उसमें आरतीयों को भी अल्टरनेटिव बहुत सारे मिलने थे और आर्थियों को कोई समस्या नहीं उनको फायदा ही होता वो भी सप्लाई चेन का हिस्सा बनते एक और सप्लाई चेन का हिस्सा बनके उनको भी काम मिलना था अब आप लेके आ रहा है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है कोई सप्लाई चेन का फर्क थोड़ी पड़ गया हम कहते थे कि तबाही मैच जाएगी इंडिया में अगर ये सारा ऑनलाइन होने लग जाएगा उससे कंजम्शन बढ़ी है उससे चीजों की डिमांड बढ़ी है उससे इंडस्ट्री तरक्की हुई है उससे लोगों को और इम्प्लॉयमेंट मिली है इस सप्लाई चेन के अंदर और लाखों करोड़ों लोगों को लाखों लोगों को लोगो इम्प्लॉयमेंट मिल गई एक नया का दन... वेयर हाउसिंग का धंधा स्टार्ट हो गया एक पूरा एक पैरल इकोनॉमी स्टार्ट होगी वेयर हाउसिंग की वेयर हाउसिंग की पूरी इकोनॉमी जो है ये सारी एमेजोन और इनसे तो लिंक्ड है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मेजर कंज्यूमर्स तो यही है उसके

इनाम का क्या स्टेटस है हरियाणा में मेरे को तो पता नहीं थ्रेटिकली तो ई हर जगह चल रहा है एवरी जो एपीएमसी है वो लिंक है आपस में तो आप अगर अपनी कोई स्पेशलाइज क्रॉप है थ्रू e आप कहीं और भी बेच सकते हो अगर आपको रेट वहाँ सारी ऐप बनी हुई है ऐप से हर मंडी के रेट आते रहते हैं वहां पे आप जरूर नहीं अपनी मंडी में आपने बेचना आप किसी और मंडी में बेच सकते हो ओके सर हम्म बड़ा अच्छा सिस्टम है ऑर्गेनिक चलता मैंने देखा हुआ है बिल्कुल जैसे ओपन स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती वैसे चलता कि उस मंडी में ये रेट मिल रहा है वहा वहाँ आपने सेल कर दिया तो ट्रक जाएगा यहां से वहां स्पाइस यही तो है ना कि अगर सपोज ये हम अल्टरनेटिव प्राइवेट मंडीज अलाउ कर दे तो उसमें यही बेनिफिट होगा ना फार्मर को कि जहां मर्जी बेचे वो अगर उसको उस प्राइवेट मंडी में ज्यादा रेट मिल रहा है तो वहां बेच देगा वो मैं छोटी सी बात बताऊ आपको छोटी सी बात हमारा एक ऑर्चर्ड है उसमें नाशपति उगती है हम ठेका देते हैं किसी उसको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ठेका देते हैं हम उसका नाशपति का ठीक है ये हिमाचल में अब वहां पे एक ठेकेदार है ठेकेदार ने ठेका लिया वो नाशपति दो तीन रुपए किलो लोकल मार्केट में बेच रहा था ठीक है क्या मिलना उसको कुछ भी नहीं अब अगले साल ठेका दूसरे किसान ने लिया एक बंदे ने लिया वो महाराष्ट्र जाके वही नाशपाती पंद्रह रुपए किलो में बेच के आया वही नाशपति पंद्रह रुपए किलो में बेच के आया वो

ठीक है ना यहां से बॉम्बे भी ट्रक लेकर जाना तो बारह तेरह चौदह हजार रुपए किराया लगता है सिर्फ नौ टन मतलब नौ हजार किलो मतलब सिर्फ एक सवा एक रुपए सवा रुपया पर किलो कॉस्ट आएगी सुन लो अब नौ टन की जगह चौदह टन का ट्रक ले लो बड़ा ट्रक ले लो और कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी आपको क्या लगता है कितनी कॉस्ट आ जाएगी इतनी आती है और कितनी आती है पंद्रह रुपए किलो बेच के उसने अगर डेढ़ रुपया किलो भी उसने प्राइस वो दे दिया उसने कॉस्ट तो क्या दिक्कत है यहाँ तीन रुपए बिक रहा था साढ़े चार पड़ गया वहां पंद्रह बेच के दस रुपए किलो फिर मार्जिन मिल गया उसको आपको आधी एग्रीकल्चर आ गई आज <laughs> चलो आगे चलते <laughs> मतलब चलो देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा अच्छा आंसर हो जाए तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे थोड़े से और क्या है अपने आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सॉलिड आंसर दिया अब नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट आपका एरिया है आपका जो है एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा हाईवे कई बार ये कह देते थे से. हाईवे इकोनॉमी ठीक है ना ये हाईवे इकोनमी हरियाणा इकोनॉमी कोई ज्यादा सीरियस क्वेश्चन नहीं है बेसिकली जो मेजर इंडस्ट्रीज थी हरियाणा की एक टाइम पे देवर लोकेटेड और अलॉन्ग हाईवेज ओनली पानीपत से स्टार्ट करके करनाल है ना सोनीपत से स्टार्ट करके पानीपत करनाल अंबाला तो ये सारी जो हाईवे थी जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो हाईवे के अराउंड लोकेटेड थी तभी इसको हाईवे और सब सारे टूरिज्म यूनिट्स थे जो हम, हम हरियाणा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक टाइम पे थे वो सारे हाईवे पे थे तो ये एक कहा जाने लगा कि जो हरियाणा की इकोनॉमी है वो हाईवे इकोनॉमी है बाकी तो सब एग्रीकल्चर है अगर आप हाईवे से परे चले जाओगे सारा एग्रीकल्चरल है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हाईवे के अराउंड ही ज्यादा प्रोपोगेट कर रही है तो ये क्रिटिक था बेसिकली हरियाणा का कि आपने तो हाईवे इकोनॉमी बनाई है अपनी देखते हो आप बहुत डेवलप हो लेकिन आपके हिंटरलैंड में अंदर हर जगह एग्रीकल्चर है और कुछ नहीं है आपके पास आपने कोई डेवलपमेंट नहीं करी है तो इस वजह से क्रिटिक होता था हरियाणा का इस हाईवे इकोमी को कहकर आपकी सारी डेवलपमेंट हाईवे के अराउंड दिखती है अंदर तो आपकी सड़क और आई थिंक हरियाणा आप लोग काफी सारे हरियाणा में हो आप एक टाइम पे देखो आज से पंद्रह बीस साल पहले आप चले जाओ पानीपत से रोहतक की सड़क क्या थी है ना अंबाला से जींद इधर की सड़क क्या थी इतने इतने गड्ढे मतलब कई सड़कें जो इंटरनल इंटरनल वाली सड़क थी सारी टूटी फूटी पड़ी थी और हाईवे देखो हाईवे प्लस बहुत बढ़िया खैर एक टाइम पे कहा जाता था वो अब वो ट्रू नहीं है बिकॉज रोड्स हैव बीन डेवलप्ड और भी हाईवे बन गए हैं बड़े अच्छे और उनके अकॉर्डिंग अब उनके राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा रही है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं ठीक है थीके? तो इस कंटेक्ट में उसको हाईवे इकोनॉमी कहते थे आज शायद चाहे ना पूछे क्वेश्चन मैंने तो आपकी जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लिया कि आपको पता है पिछला क्या चल रहा था पहले अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आइए जो पंजाब हरियाणा हमियाप्यूट का है इसमें दो तीन क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो नॉर्मली पूछते हैं शुड चंडीगढ़ बी ट्रांसफर टू हरियाणा शुड चंडीगढ़ बी ट्रांसफर टू हरियाणा वट डू यू थिंक ये क्वेश्चन ज्यादा किससे पूछेंगे जो लोग चंडीगढ़ का जिनका रेजिडेंस है उनसे या जो लोग पंजाब से हैं कुछ स्टूडेंट चंडीगढ़ के भी हैं बहुत सारे और पंजाब से भी हैं तो उनसे प्रॉबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन पूछने की वी शुड चंडीगढ़ भी ट्रांसफर टू हरियाणा व्हाट डू यू थिंक हाँ जी कौन आंसर करेगा

The connectivity improvement will uh, uh, elevate the concern of uh, the isolated location of capital of both the states. I think the status quo should be maintained, sir. हम्म hmm? ये तो आपका मैसेज कर हो जाएगा वो इंटरव्यू में काट पीट देंगे आपको अगर <laughs> ऐसा तो कुछ बोल दिया था

वेन द हरियाणा वाज फॉर्म्ड जब हरियाणा फॉर्म हुआ था उस वक्त चंडीगढ़ वाज टू तो भी ट्रांसफर टू हरियाणा जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के अंदर चंडीगढ़ हरियाणा को दिया गया था लेकिन डू टू अपोजिशन ऑफ पंजाब एंड कॉन्सिक्वेंट एजुटेशन इन पंजाब इसको यूटी बना दिया गया और दोनों स्टेट्स की एक कैपिटल को बना दिया गया इन द रेश ऑफ सिक्सटी परसेंट पंजाब हरियाणा फोर्टी परसेंट सर पंजाब को नहीं देना था मतलब हरियाणा को देना नहीं हरियाणा को हरियाणा को हरियाणा को, को। ठीक है जी तो अल्टीमेटली क्या क्या, क्या करें मिशन ने करेमेंड क्यों किया था कि हरियाणा को ही देना अरे वैसे ही जब रिओर्गेनाइजेशन हुई उसके अंदर कि भाई वो उसकी प्रॉक्सिमिटी ज्यादा है ना so क्योंकि चंडीगढ़ तो चारों तरफ से पंजाब छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उस बात को उसमें आपने नहीं सेंटर को मैं पूछ लिया अभी मोह दे रही थी ना मैं

ओके okay. क्लियर होगी बात जी इतना माइक्रो में जाना नहीं वैसे ना ना वो पूछेंगे ज्यादा ऐसा हमने बोलना okay. थोड़ी है तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ जरूरत पड़े तो यूज करना है जितना कम बोलोगे इंटरव्यू में जितना प्रिसाइज बोलोगे उतनी मेंसी कम होगी ये तो मैं आपको वैसे ज्ञान दे रहा हूँ ठीक है जी तो अब पंजाब में होगी एजुकेशन स्टार्ट तो पंजाब ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर इंटरव्यून करके उसको यूटी बना दिया टक दोनों की स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल रहेगी रोटेशनल बेसिस पे इसमें एम्प्लॉयज आएंगे

है ना वो वाटर शेयरिंग आगे करेंगे हम लेकिन अंडर 1986 राजीव अकॉर्ड जो तो पंजाब एग्री हो गया हरियाणा को ट्रांसफर करने के लिए ठीक है ना राजीव गांधी ने इंटरमीडिएट किया ये और पंजाब ने हरियाणा को चंडीगढ़ देने के लिए एग्री किया ठीक है ना कौन से चीफ मिनिस्टर थे जब उनका उसके बाद उनका मर्डर हो गया और ये जो पंजाब राजीव लंगो वाला अकॉर्ड है वो ठंडे बस्ते में चला गया राइट आफ्टर मर्डर ऑफ दी द चीफ मिनिस्टर ऑन दिस इशू कह लो कैसे भी कह लो छोड़ो उस बात को अब उसके बाद आफ्टर दिस इंसिडेंट राजीव लॉन्ग लौंगो वाला कॉर्ड का फेलियर हो गया प्लस चीफ मिनिस्टर का मर्डर हो गया तो ये बिल्कुल ही इसको बंद कर दिया गया तो नाउ एंड देन जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा स्टेट असेंबली के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम चंडीगढ़ हमारा है वो इन ल्यू ऑफ की जब एक अप्रैल को पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि चंडीगढ़ हमारा है तो इन्होंने फिर इन रिएक्शन Uh, uh, कर दिया कि चंडीगढ़ हमारा है तो अभी भी जो तो दोनों स्टेट्स हैं दे ले देयर ओन क्लेम्स ऑन चंडीगढ़ चंडीगढ़ के ऊपर क्लेम दोनों स्टेट्स होल्ड करती हैं ठीक है, है बहुत ध्यान से डेलीकेटली आंसर करना है इसका अनरियलिस्टिक आंसर आप नहीं कर सकते कि नहीं जी हरियाणा को दे दो हमारा है तो आप ब्यूरोक्रेसी का इंटरव्यू दे रहे हो पोलिटिकल नहीं कोई यू के नॉट से आर्बिट्री लाइक दिस बड़ा बैलेंस आंसर देना पड़ेगा आपको चाहे आप चंडीगढ़ के हो चाहे आप पंजाब के हो चाहे आप हरियाणा के हो आंसर आपका ऑन फैक्ट रहना चाहिए सर प्रेजेंटली बोध दर लेंगीगढ़ चंडीगढ़ ऑल दो इन राजीव लांगो ऑल अकॉर्ड चंडीगढ़ वॉज टू बी ट्रांसफर टू हरना बट दैट कुड नॉट है प्रेजेंट सिचुएशन अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज आई फील that there is no now it is not only chandigarh a tri-city has emerged now the reality has changed sir now earlier the chandigarh was the focus of the tri-city panchkula was not developed mohali was not developed but now it has the whole area has emerged as tri-city harana has lot of offices in panchkula as well as in chandigarh in the same way punjab has lot of offices government offices in mohali along with chandigarh

चंडीगढ़ पंजाब को मिल जाता है तब भी जो एंटायर तो एक को हम स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल दे देते हैं तो वी है इंटरेस्ट ऑफ सर एंटायर नेशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड द्व इफ दिस्टम इज वर्किंग एमिकेबली इन दिस मैनर सर आई थिंक इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस आपको मैं अंदर की बात बताऊं, दोनों में से स्टेट्स में कोई चंडीगढ़ को लेना नहीं चाहता अपने खर्चे चल नहीं रहे चंडीगढ़ को कहां से कोई लेना नहीं चाहता सिर्फ असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास करते हैं पोलिटिकल अपनी रोटियां सीखते हैं अल्टीमेटली कोई लेना नहीं चाहता नो बडी वॉन्ट्स टू टेक चंडीगढ़ इतना लॉस है कहां से फाइनेंस करेंगे अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है राइट right? So, sir, finally, moreover, sir, Chandigarh has developed its own unique character, and I think it will be better preserved being a union territory rather than going to either Punjab or Haryana. So, I don't suggest that it should go to either of the states. The status quo should remain in the overall financial interest of both the states as well as the central government, as or the national resources. Moreover, the uniqueness of Chandigarh will be only preserved if it is retained as union territory. अब यहां पे हम ये नहीं कह रहे कि हम पंजाब को दे दें हम ये नहीं कह रहे हम हरियाणा को दे दें हमने लॉजिक ये दिया है कि अल्टीमेटली अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो आप तो उसके ऊपर तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा दूसरी स्टेट का भी सारा खर्चा उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट को भी कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा उसको नई कैपिटल बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटायरली देगा नहीं नई कैपिटल बनाने के लिए तीन पार्टीज होंगी अगर पंजाब नई कैपिटल बनाता है तो पंजाब गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ेगा हरियाणा गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा इतने सस्ते में तो छूटेगा का नहीं काम ये तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल तो पढ़ना ही है सर 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 बस एक वो फॉर हरियाणा चंडीगढ़ चंडीगढ़ का तेल लगता है है जाने में नहीं देखो तो, तो, ये इन, इनके अंदर ये लॉजिक नहीं चलता बिकॉज आप कहाँ करनाल में बनाओगे क्या जींद में बनाओगे हार्ट ऑफ चंडीगढ़ हरियाणा Yes, तो हम जीन पे बनाएंगे क्या बात हिस्टोरिकल प्रोसेस में आप इतना पैसा लगा दो जीन में कैपिटल बनाने का कि दस साल के आप पचास साल उसके इंटरेस्ट भुगतते रहोगे आप और बिल्डिंग्स बनाओगे इतना सब कुछ बनाओगे सिस्टम बनाओगे लाखों करोड़ रुपए लग जाने कैपिटल डेवेल्प होने में और बीस तीस साल लग जाएंगे कैपिटल डेवेल्प होने में तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करोगे तो थोड़ी इंक्रीज कॉस्ट ठीक है उसमें आप ये कह सकते हो कि सर जो मैट्रस के लिए लोगों को यहां से आना पड़ता है बार बार वी कैन कंडक्ट अ स्टडी ऑन दैट एंड वी कैन डेवलप सम स्मॉलर ऑफिस इन इन वेरियस सिटीज एज पर सर लेकिन बहुत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये हो चुके हैं कि हम ये तो एक आम बात है कि टूवर्ड्स ही नॉर्थ पड़ता है और पंजाब के टूवर्ड्स साउथ पड़ता है तो ये दोनों की कैपिटल टेक्निकली सुटेबल नहीं है लेकिन दोनों स्टेट इतने बड़े नहीं है मैक्सिमम 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ ये कोई हरा आप सोचो महाराष्ट्र की फ्लाइट महाराष्ट्र की फ्लाइट देखो मुंबई कहां इतना बड़ा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का देखो आप मतलब 5 500 किलोमीटर का रन हो जाता है अगर इस कैपिटल में आना तो सर हम

है ना इंडस वाटर ट्रीटी होती है जिसके अंडर जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं झेलम इंडस तेनाब ये जल, इसका पानी चला जाता है पाकिस्तान के पास और सतलुज रावी ब्यास इसका पानी आ जाता है एक्सक्लूसिव राइट right इंडिया के पास इन दोनों का मतलब समझ लीजिए इस का मतलब क्या है मतलब ये है कि जो अपना फर्स्ट राइट ऑफ यूज है वो इंडिया के पास है लेकिन इंडिया उन रिवर्स का पानी नहीं रोक सकता डैम नहीं बना सकता हाँ लेकिन जो इंटरेस्टेड uh, कम्युनिटीज हैं अलोंग विद द रिवर दे आर फ्री टू यूज द वाटर इन द वे दे वांट और जो सरप्लस वाटर होगा सारा वो पाकिस्तान का है लेकिन इंडिया उसके ऊपर डैम या कोई बड़ा नहीं बना सकता उसके बाद नीचे के वाले जो रिवर से सतलुज रावी एंड ब्यास है उसका एक्सक्लूसिव राइट right इंडिया के पास है इंडिया चाहे एक बूंद पाकिस्तान में पानी ना जाने दे टू तो सतलुज तो जो रावी और ब्यास अल्टीमेटली सतलुज में मिल जाती है और सतलुज पाकिस्तान में जाती है जो अल्टीमेटली इंडस्ट्री मिल जाती है तो सतलुज का पानी चाहे एक बूंद इंडिया पाकिस्तान को ना दे वो इंडिया का एक्सक्लूसिव राइट है तो इस अरेंजमेंट ये जो आ, रिवर वाटर शेयरिंग हुई थी ये हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एक पार्टी थी दूसरी तरफ इंडिया था और ये तीन रिवर्स इंडिया को एलोकेट होने के पीछे द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंट पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान ये चार स्टेट्स थी ये चार एंटिटीज थी जिसके बेसिस पे इंडिया का रिक्वायरमेंट पानी का असर किया गया था जिसके बेसिस पे सतलुज रावी और ब्यास तीन नदियों का पानी इंडिया को मिला ठीक है बात ये क्लियर होगी मोटिव इतनी बात बतानी चाहिए कितने एम एफ था कितना वो था अरे भैया मेरे को नहीं याद ये क्लियर होगी बात इंडस झेलम और चेनाब इंडस झेलम और चेनाब ये तीनों का पानी गया पाकिस्तान के सतलुज रावी एंड ब्यास का पानी आया इंडिया के हिस्से में अब उसके बाद हो जाता है पार्टीशन ठीक है ना पार्टीशन हो गया अब पंजाब जो था पहले ये पहले पंजाब और हरियाणा एक था दिल्ली एक था राजस्थान एक था ठीक है ना? Yes. तो अल्टीमेटली अब जो पंजाब अब दो हिस्सों में बैठ गया पंजाब और हरियाणा तो हरियाणा बन गया सक्सेसर स्टेट हरियाणा बन गया सक्सेसर स्टेट तो जो इंडस वाटर में पानी एलोकेट किया गया था वो इंक्लूडिंग हरियाणा को ध्यान में रख किया गया था ध्यान से सुनना इंक्लूडिंग हरियाणा को ध्यान में रख किया गया था हरियाणा तभी क्लेम करता है कि हरियाणा मैं सक्सेसर स्टेट हूं इसलिए मुझे पानी में हिस्सा मिलना ही चाहिए लीगली जो बिल्कुल ठीक है जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता बात को अब जो सतलुज तीन रिवर है सतलुज रावी एंड ब्यास अब सतलुज का जो पानी है वो ऑलरेडी हरियाणा को जा रहा है सरहदनाल सिस्टम है पूरा हम्म सरंदनाल सिस्टम के थ्रू अभी भी हरियाणा को पानी सतलुज का जा रहा है लेकिन उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था कि जो रावी और ब्यास का जो सरप्लस वाटर है वो कैसे हरियाणा को दिया जाए जो अंडर एग्रीमेंट हुआ था वेरियस एग्रीमेंट्स हुए कि हाँ टोटल पानी इतना हरियाणा को दिया जाएगा

फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस वाटर मैनेजमेंट बोर्ड सतलुज को रवि और ब्यास से लिंक किया गया बहुत सारा सिस्टम बना हिमाचल में और एक एसआईएल बनाई गई बनानी शुरू की गई सतलुज यमुना लिंक तो so, सतलुज यमुना लिंक वॉज एक्चुअली डेजिग्नेटेड टू कैरी दरप्लस वाटर ऑफ रवि एंड ब्यास टू हेना सतुलुज यमुना लिंक जो है वो सरप्लस वाटर रावी और ब्यास का कैरी कर रही करने की उसकी प्लानिंग थी टू हरियाणा सो दैट हरियाणा कैन गेट इट्स ड्यू शेयर ऑफ वाटर अब सब कुछ चल रहा है ठीक इंदिरा अवार्ड बहुत सारी चीजें यार अब बहुत सारे कमीशन अवार्ड मीटिंग सब कुछ हुआ है ना तो अल्टीमेटली पंजाब ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि पंजाब कहता है पंजाबी आर्गूमेंट देता है कि हमारे पास सरप्लस वाटर है ही नहीं है हमारी अपनी नीड्स बहुत ज्यादा है और बींग अ राइपेरियन स्टेट आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि हरियाणा सक्सेसर स्टेट तो है लेकिन राइपेरियन स्टेट नहीं है राइपेरियन स्टेट कौन सा होता है कि जिसके कैचमेंट एरिया से पानी नदी में कॉन्ट्रीब्यूट होता है और एक इंटरनेशनल लॉ है कि जो राइपेरियन प्रिंसिपल बोलते हैं उसको कि जो राइपेरियन स्टेट होता है उसका राइट टू यूज फर्स्ट होता है एंड इट इट्सिड ऑल लॉज इट सुपरसिड्स ऑल लॉस उसको इन्वोक करके पंजाब कहता है कि हमारे पास सरप्लस वाटर है ही नहीं है तो हम कहां से दें हरना कहता है सरप्लस वाटर है हमें मिलना चाहिए और बीइंग अ सक्सेसर स्टेट मिलना चाहिए देखो एक बात समझ लो अगर सरप्लस वाटर नहीं है तो हरना का क्लेम नहीं है कोई बिकॉज़ राइपेरियन प्रिंसिपल ओवरराइड्स लेकिन सरप्लस वाटर हरना कहता है है और पंजाब जान के नहीं दे रहा ठीक है अब पंजाब एक और क्लेम कहता है कहता है जैसे हरना सक्सेसर स्टेट है वैसे पंजाब यमुना के अंदर सक्सेसर स्टेट है तो जैसे हरना के ऊपर पूरा पानी यूज करता है हमें यमुना का पानी मिलना चाहिए जब हुई थी, तब करते थे अपस्ट्रीम पे है। तो पानी पीछे कैसे लेके जाए तो लेकिन एक आर्ग्यूमेंट पंजाब ही देता है कि अगर आप सक्सेस स्टेट हो तो हम भी आपके यमुना के सक्सेस स्टेट है तो हमें यमुना का पानी दो फिर लेकिन अतल में मुद्दा यह है आ, 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 ऑन मुद्दा ये है कि अगर रावी ब्यास में वाटर है तो हमें पाकिस्तान को देने की बजाय क्यों ना हम हरियाणा को दें तो अब इसका सोल्यूशन क्या है should, the, uh, Pakistan, पंजाब तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें देर आर टू थ्री सोल्यूशन विच कैन बी डन पहला सोल्यूशन तो ये है कि सर पंजाब इज इज नो सरप्लस वाटर सो वी शुड

एक तो सोल्यूशन ये है सेकेंड सोल्यूशन ये है इसका कि सर बोधक इट इज बेसिकली पोलिटिकली सेंसिटिव इशू तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि सर वाटर इज असेंशियल कॉम्युनिटी और वाटर दोनों एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं इट इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड द बोथ द स्टेट्स दैट वाटर शुड बी यूटिलाइज प्रॉपरली कि पानी को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें ये बेस्ट इंटरेस्ट में है हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है हमारे ठीक है ना बेस्ट इंटरेस्ट में हमारे ये हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में तो इसलिए दोनों ये चाहे कि इस पानी के मुद्दे को हम करें डी पोलिटीसाइज करें एंडीज शुड सिट अक्रॉस एंड टेक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन माना जाता है जो कभी हो नहीं सकता मानते हो क्योंकि इतना ज्यादा पोलिटीसाइज इशू कि भाई चीज दोनों टेबल पर बैठे डी कर दें बड़ा थोलिटिकल सा लगता है और थर्ड इशू है जस्ट लाइक like कवेरी कावेरी का जैसे सोल्यूशन करा गया कि सर ये जो रिवर्स है वाटर अथॉरिटी कैन बी फॉर्म अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बाई लॉ ऐसी अथॉरिटी बन जाए जैसे कावेरी रिवर वाटर अथॉरिटी बनी हुई है वो पानी को रेगुलेट करे की कि कि किसको कितना देना है एंड पंजाब की नीड्स भी पूरी होती है और अगर पानी सरप्लस है तो वो हरियाणा को मिलेगा तो ये तीन सोल्यूशन माने जाते हैं जनाब इस प्रॉब्लम के अब आप कौन सा सोल्यूशन देना चाहोगे हाँ जी कौन सा सोल्यूशन देना चाहोगे आप तो देखो आप इंपॉर्टेंट स्टेट पहले तो कैसे इंटरव्यू आंसर बनाते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है कैसे इंटरव्यू आप आंसर बनाते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर पंजाब के सिविल सर्विस में इंटरव्यू दोगे तो आंसर डिफरेंटली स्टार्ट होगा अगर आप हरियाणा में दोगे तो आंसर डिफरेंटली स्टार्ट होगा आप कहो आप ये कहो क्या कहोगे सर हरियाणा इज अ नेट वाटर स्टेट पहले तो हमारी नीड है कोई लिखना चाहे लिख सकता है मास्टर आंसर आइए sir haryana is a net water deficient state whatever water we are getting from satluj system and yamuna system is unable to fulfill the requirements of haryana as the southern parts of haryana are drought prone areas haryana being the successor state deserves the surplus water from punjab and haryana has always claimed that there is a surplus water which is flowing to pakistan so i think sir in the best interest of uh, the national water as a national resource and the needs of haryana punjab should give water to uh, haryana bas chup chup uske baad next question kya aayega puchho aap आप पूछो ना question पूछो next जो आपके दिमाग में आ रहा है sir how it can be possible पंजाब बना कर रहा है कि उसके पास सरप्लस वाटर ही नहीं है तो वो कैसे देगा? Definitely sir, this is the main problem that पंजाब is saying that being a riparian state, it is his first right and पंजाब does not have surplus water because the needs of punjab has also increased. Sir, my view is that it has been long that any assessment has been done that whether there is a surplus water in ravi bias system or not So why we can formulate an independent commission or a

सर uh, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से कुछ अगर इसमें ट्विस्ट करना हो मतलब उसमें यूपीएससी लेवल का भी है इस, इसका सोल्यूशन और कुछ नहीं है यूपीएससी oh, के अंदर तो बेस्ट एक और सर अल्टरनेटिवली वी कैन ड्रिक्लेयर वाटर एज अ नेशनल रिसोर्स इट सेल्फ थ्रू आउट द कंट्री सो दैट द प्रोसेस ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर्स कैन बी एक्सपेटेड एंड ऑल सच डिस्प्यूट विल बी सॉल्व विच देयर इन अदर स्टेट ऑल्सो लाइक हरियाणा आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंड कर्नाटका दे आर सो मेनी डिस्प्यूट ऑल दी लैंड ये यूपीएससी के अंदर स्टेट में मत बोल देना कहीं जूते पड़ जाएंगे क्योंकि स्टेट अपोजिंग दी नेशनलाइजेशन ऑफ वाटर लेकिन यहाँ नहीं बोलना यहाँ जो मैंने बताया आपको वही है उसके अंदर कोई क्वेश्चन आपने पूछना पूछो आप मुझे तंग करना चाहते हो या सकता है यू कैन

सर एक डाउट है सतलुज जो है वैसे तो मतलब हरियाणा से तो पास नहीं करती ना बिल्कुल नहीं करती हूँ इसमें तो ही नहीं, तो इस मतलब तो नहीं सकता कि इंटर स्टेट रिवर है। मतलब हम तो एज ए सक्सेसर स्टेट उनसे पानी मांग रहे न, उनका तो वाटर डिस्प्यूट तो है ना ट्राइब्यूनल की बात तो नहीं हो सकती ना सर जैसे मतलब ये कि जो ट्राइब्यूनल तो इंटर स्टेट जो रिवर होती है अरे ट्रिब्यूनल बना इराडी ट्रिब्यूनल बना तो था इराडी ट्रिब्यूनल ई e आर ए डी आई इराडी ट्रिब्यूनल बना था जिसने पाया कि सरप्लस वाटर है और इतना वाटर हरियाणा को मिलेगा इतना राजस्थान को मिलेगा इतना दिल्ली को मिलेगा इतना पंजाब के पास जाएगा इराडी ट्रिब्यूनल ने सब कुछ निकाल रखा है लेकिन बात होगी पुरानी बहुत वो नाइनटीन की तो इराडी ट्रिब्यूनल सब तो कुछ कर बैठा है लेकिन अब अब आफ्टर थर्टी इयर्स पंजाब कहता है कि हमारे पास पानी नहीं है तो उसके लिए अब नया ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा अगर आप असेस करते हो फिर उसके बाद भी कौन सी गारंटी है कि अब पांच सात साल में ट्रिब्यूनल कोई नया ट्रिब्यूनल असेस करेगा उसके बाद पंजाब कह देगा मैं फिर भी देता कर लो जो करना है, और फिर डिस्टर्बेंस खड़ी हो जाए फिर वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाएगा फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा बात तो सॉल्व करने की है मैटर बात तो सॉल्व करने की तो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली क्या है कि पंजाब के अंदर वो गवर्नमेंट ही नहीं आ पाई ना सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट समझो बात और जो पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट के दोनों गवर्नमेंट थी कांग्रेस की हरियाणा में भी कांग्रेस था पंजाब में भी कांग्रेस थी और इधर भी कांग्रेस थी सेंटर में उस टाइम सॉल्व हो सकता था लेकिन उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट से वीक थी सारी ओके सर बेसिकली होना तो पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन आई है अब इतनी हद तक पोलिटिसाइजेशन आप मानोगे नहीं तो एक माननीय पॉलिटिशियन जो है हरियाणा के मतलब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ये कोई मेरा अपना विचार नहीं है मतलब इतना कर रखा है इस इशू को इतना इमोशनल कर रखा है उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट स्टेटमेंट दी जो रिकॉर्डेड है ये दी कि पंजाब जो है सारा बिजली निकाल रहा है पानी से और हमें फोका पानी दे रहा है तो पहले तो इनके बिजली के प्लांट सारे बंद कराओ बागड़ा भूरा वाले <laughs> ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है और माननीय पॉलिटिशियन बड़े समझदार Yes, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता उनको पता है या उनको पता था लेकिन बस पोलिटाइजेशन है ये, इमोशनल कर दिया इशु को, अब लोग तालियां पीट रहे हैं <laughs> हाँ, है। तो uh, uh, हाँ. <laughs> आपके हाथ में कुछ नहीं है चीफ से हाथ में भाई इसमें इंटर गवर्नमेंटल तो, तो सही नहीं है ना यू द डिसीजन ऑफ द गवर्मेंट यहां ये लॉ है स्टेट असेंबली इन्वॉल्व है इसके अंदर इसमें चीफ सेक्रेटरी स्मॉल थिंग चीफ सेक्रेटरी विल डू एज पर डायरेक्शन वो तो इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर कोई डिसीजन होता है तो उसका रोल सब आता है ठीक है जी तो ये दो मुद्दे हैं दो आंसर मैंने आपको दिए कहीं फंसने की कोई चांस नहीं है डोंट वरी कहीं आप बिल्कुल ये आंसर दो बिल्कुल साफ सुथरा निकलोगे लेकिन कोई मिस एडवेंचर नहीं करना मतलब स्टेप्स में आंसर देना है कहानी ज्यादा लंबी सुना है मैंने देखो मैंने वहीं रोक दिया कि हाँ हरियाणा को पंजाब पानी मिलना चाहिए उसके बाद पूछे ना वो क्यों मिलना चाहिए पंजाब को प... कह रहा नहीं मिलना तो भाई नेक्स्ट स्टेप आंसर करोगे अगर वो क्या नहीं ये सोल्यूशन और बताओ क्या सर फिर फाइनली तो सोल्यूशन सर एक बड़ा ही ड्रास्टिक है विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन इफ वी डिक्लेयर वाटर एज अ नेशनल रिसोर्स देन नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम विल बी सोल्व

ऐसा नहीं करना बिल्कुल ठीक है जी एनी क्वेश्चन तो ये आपका हो गया ये पंजाब हरियाणा का डिस्प्यूट और जो सोशल इश्यूज है और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम मैंने डिस्कस डिस्कस कर कर ली तो बेसिक जो मोटे मोटे सारे इश्यूज हैं वो डिस्कस कर ली। इसके अलावा मैं क्या दूंगा आपको मैं आपको एक फैक्ट शीट दूंगा जो आपके जो मेरा ग्रुप बना हुआ है एक बिन एडमिन को है भाई मेरे जो ग्रुप का एक आप लिंक शेयर कर दीजिए सारे मेरे ग्रुप में है क्या जो मेरा व्हाट्सएप का अनाउंसमेंट ग्रुप बना हुआ है यस सर फिर भी मैं शेयर करवा रहा हूँ लिंक उसका तो चैट। अच्छा ये कुछ मैसेज करे हुए मैसेज बंद हुई थी भाई हाँ ठीक है डिस्पाइट ऑफ लो लिटरेसी रेटिंग ठीक है जी नो स्क्रीन नो ऑडियो ठीक है आ, ये क्वेश्चन पूछा गया नहीं ठीक है आंसर गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर ठीक है सर uh, जैसे अब इंटरव्यू आ सर हाउ मेनी मोर सच वुड बी नाउ मैं एक लेक्चर मेरे मन में और करने का जो मैं करना चाहता था स्ट्रेस सिचुएशन कि अगर आप कहीं फंस जाओ मतलब आप आपने बोल दिया, आपने गलत बोल दिया, या बोर्ड आप पे निराज हो गया है ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आप डिस्टर्ब हो गए आपके आप बोल ही नहीं पाए कई बार ऐसा होता ना क्वेश्चन पूछा डंप ब्लॉक हो गया मेंटल ब्लॉक

बहुत ज्यादा डीप में चीजों के नहीं जाना बिकॉज टाइम बहुत कम है okay, और वो इंटरव्यू जो है वही दस पंद्रह मिनट का पंद्रह मिनट का होना है मैक्सिम सर है ना दस मिनट का बारह मिनट का पंद्रह मिनट का ठीक है ना कैसा होना है भगवान भी जानता नहीं पता नहीं जो मैं करा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पूछेंगे पूछेंगे कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसमें से डेफिनेटली बट uh, क्या पता किस तरह का नेचर ऑफ इंटरव्यू क्या होगा मुझे खुद नहीं पता जैसे पहले फैक्ट्स फैक्ट्स पूछते थे करते थे करते के इस बार करेंगे नहीं करेंगे ओपिनियन बेस्ड पूछेंगे हमें तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहना है ओके सर मैं जैसे स्ट्रेस सिचुएशन सिचुएशन के अंदर एक आती है कि आपसे फैक्चुअल बहुत पूछने लग गए कैसे हैंडल करना है आपने सिचुएशन कि आपको आता है नहीं है आपको टेंशन हो रही है टेंडेंसी हो रही है अंदर से गैस मारने की कैसे रोकना है अपने आपको या वहां कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को सर। तो ऐसे में कुछ कुछ छोटे छोटे टोटके दूंगा टिप्स टिप्स नॉट ट्रेनिंग ये ये। तो तो चलो एक सिचुएशन आ गई आपके केस में काम आ गया जैसे मैं याद करता हूँ मैं एक आई एस के इंटरव्यू के अंदर ट्रेनिंग के अंदर हम कराया करते थे अभी भी कराते हैं कि सपोज आप इंटरव्यू बोर्ड में एंटर करे धड़ाम से गिर पड़े कहीं पैर अटक गया गिर गए से उड़ते उठते रोल, रोल मारते हुए बोर्ड के सामने जा रहे हो आप <laughs> अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप तो बच्चे बड़े हंसते थे कि सर आप करा दिमाग सेटक गया ऐसा भी कभी होता है मैं कोई बात नहीं बेटा करने में तो हर्ज नहीं है ना कोई कहते हाँ ये बात ठीक है मैं चलो अब गिर के दिखाओ जरा और उठ के दिखाओ <laughs> तो मैं गिरे उठे है ना मैंने कहा जीरो नंबर सेल्फ साइड पे दूसरा गिरा उठा चल जीरो नंबर साइड सबके जीरो जीरो लगा के बिठा गिरता के, और फिर मैं बोर्ड की तरफ गया। कोई सॉरी नहीं कुछ नहीं अबे गिर गया तुम्हारी गलती है मेरी थोड़ी तुमने रास्ते में ही रखा हुआ आप मानोगे नहीं ऑल इंडिया थर्ड रैंक है मेरे एक स्टूडेंट का सेम हिम वो अंदर एंटर किया साथ में सोफा रखा था कारपेट के अंदर हल्का सा पैर उसका कारपेट उतरे रुक जाए पैर का सीधा सोफे पे ठाक गिरा जाके जैसे ही इंट्रो से बाहर निकला फोन पकड़ा मुझे फोन मारा के सर गुरुदेव पच गए आज तो और नंबर आ <आगे> गए 200 <laughs> प्लस मैं क्या हो गया कहता सर मैं गिर पड़ा मैंने कहा जान के तो नहीं किया तूने तो ड्रामा कहता नहीं सर <laughs> गिर पड़ा सच में मैं और मैनेज हो गया लगता है कि मैंने बोर्ड की तरफ नहीं देखा और उठा मैं कॉन्फिडेंटली कपड़े ठीक किए आपने और स्माइल करते हुए बोर्ड की तरफ राधर कहता बोर्ड ने सर मुझे सॉरी बोला कि सॉरी वी आर सॉरी विद फॉर दिस uh, तो मैंने कहा सर नो सर इट्स माय मिस्टेक आई आई शुड हैव लुक्ड और बैठ गया दैट पर्सन गॉट गेस टू थर्टी फोर मार्क्स एंड हिज इंटरव्यू वेंट फॉर ओनली टेन मिनट्स यूपीएससी दस मिनट के अंदर मतलब पहले इंस्टांस के अंदर नंबर लग गए उसके ये ऐसा हराना में नहीं होता मैंने एग्जाम्पल दिया बस कहीं तुम यहां करने लग जाओ कुछ ये बहुत टेक्निकल इंटरव्यूज में चीजें होती हैं जहां पे एक्चुअली बोर्ड जो है बड़ा हाई लेवल का बोर्ड है जो ऑब्जर्व करता है जो देखता है ये चीजें ठीक है ना यहां तो उठाने आ, यहां तो गिर गए आप तो चार बंदे उठाने चले जाएंगे आपको वो ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा गिर गया देखिए क्या करता है वो आपके पास चांस है फिर तो एक बात है मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि कभी-कभी ना ऐसी चीजें काम आ जाती है बड़ी मुसीबत में और अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग हो थोड़ा सा अल्टरनेटिव पता हो तो कई बार दिमाग में भगवान चाहे तो उस वक्त आ जाए दिमाग में तो एक लाइफ बन जाती है लैंग्वेज मिक्स कर सकते इंग्लिश भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ मैं ग्रुप में एक बार मैसेज करके भी डालूंगा। अगर बोर्ड आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आप हिंदी यूज कर सकते हो इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बोर्ड आपसे हिंदी में क्वेश्चन में देने की कोशिश करनी है रिमेम्बर अगर आपने उस वक्त इंग्लिश में आंसर दिया इट विल मत कहना तीस नंबर लेके आ जाओगे बीच में तो नहीं हिंदी बोल सकते बोलो बोलो खुल के बोलो कोई चिंता नहीं खुल के बोलो आपको नहीं हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर देना आ रहा हिंदी में बोलो कोई टेंशन नहीं बोर्ड पंजाब हरियाणा के अंदर कोई इशू नहीं है दे से कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो पंजाब अगर पंजाब में कहते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में से कोई यूज करो पहले बोल देते हैं वो और हरियाणा में बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में से जो मर्जी यूज करो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप धड़ल्ले से बोलना है आंसर कॉन्फिडेंटली निकलना चाहिए बस, चाहे चाहे हिंदी में हो, हिंदी बीच में। तो पैक हिंदी पैक से हिंदी हो इंग्लिश क्या बता रहे थे आप मैं कुछ डाटा मैंने तो कल तक आपको डाटा की शीट दूंगा चार पांच छह पेज ना मोटा मोटा डाटा वैसे कर रखा हो आपने जैसे आपने ये है इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज हैं स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स में है ना अपना म्यूजिक एंड डांस में जो इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज है हरियाणा की कई बार ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सा जैसे कितने हैं, ये सारे डाटा बेसिक, का डाटा म्यूनिपल का, का डाटा कितनी है मोटी मोटी बताइए खैर आपने ही है लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें बस मैं जो डाउन कर रहा हूँ वो तो आपको याद करके जानी जा नहीं उतना रटा मार लेना आप उस शीट को बस सर नेशनल जी

जी रिक्वेस्ट है जैसे आज करवाया कोई इश्यूज़ भी करवा दो ना दस पंद्रह yes, <laughs> <सर जैसे laughs> का सर सर आपको लगता है कि बहुत होट है और ये पूछे ही जाएंगे सर वो करवा दो लालच मत करो लालच मत करो लालच मत करो सर दीजिए 26 जनवरी में बंद रखना पड़ेगा हम खोल सकते

हाँ जी सर एक समस्या है सर थोड़ी सी हाँ जी सर मैं जब आंसर करता हूं क्वेश्चन का और ज, जैसे सर पैनलिस्ट की आंखों में देखता हूँ सर तो सर मैं मैं उस टाइम सर सोच नहीं पाता हूं अरे भाई आपने आपने आ, मेरा डूज एंड डू नोट्स वाला लेक्चर नहीं लगाया लगाया सर तो उसमें मैंने सोल्यूशन दिया ना दोनों के बीच में देखो सर दोनों के बीच में देखना ऐसा तो नहीं माना जाएगा कि कि आप आप जो है आ, आ, वही बात हो जाएगी कि कि आप आप जो है सामने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनसे दूर देख रहे हो तो क्या सलूशन है मेरे पास कोई आई तो है नहीं है फिर <laughs> मेरे पास कोई ऐसी आईड्रॉप नहीं है कि मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको लेकिन ऐसा नहीं होगा ये दोनों के बीच में देखने का मकसद ये होता है कि जो उसने क्वेश्चन पूछा उसको लगेगा मेरी तरफ देख रहा है ये यही तो खास बात है या आप छोड़ो टेबल पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप सोचोगे कि मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लूंगा या कोई आपको वेकूप बनाएगा कि भाई मैं उसकी आंखों में आंखे डाल के दो दिन में देख लूंगा ऐसा नहीं होता यार तो ट्राई भी मत करना वहां गुल हो गया ना दिमाग अगर वैसे ही प्रैक्टिस अभी करो जो मॉक इंटरव्यू आप दे रहे हो उसमें वैसे ही प्रैक्टिस करो कि साइड पे देखने की कोशिश करो हल्के से वो सबसे ईजिएस्ट स्टीरोड है जो मैं ये मेरा बहुत काम करता है स्टीरोड ये

हाँ मैं कितनी बार इस रोड पे गया हूं? हमेशा रोते ही जाते हैं इस रोड पे कैथल हाँ कई बार गया जींद गया मैं रोते ही जाते थे मतलब इतना बुरा हाल था लेकिन आज जाओ तो आज हाँ सिचुएशन हाँ। बहुत डिफरेंट है हाँ तो अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज़ द मेजर रीजन व्हाई जींद कुड नॉट डेवलप सो नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज फास्ट पिकिंग अप एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस दिस एरिया विल आल्सो डेवलप दिस इज द आंसर ठीक है सर मिनरल वेल्थ नहीं है तो इंडस्ट्रीज नहीं है ये भी बोल सकते हैं वो अपने आप बन जाएंगे अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो क्यों बोलना है okay. ठीक चलो बाय बाय यहाँ क्लास है दूसरी बाय बाय जी बाय बाय मैं लॉग आउट कर रहा हूँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू